वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं एक न्यू फैन फिक्शन यहाँ पे पोस्ट करना चाहती हूँ, वोंगशन फैन फिक्शन। ये मेरी लिखी हुई है हिट टू लव। ये एक क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक फैन फिक्शन होगा। तो कहानी की चलते हैं, चलो कहानी पे। तो ना हमें दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत समय का एक रेड अटायर में, मतलब अपने रेड गाउन में बैठा हुआ है अपने वेडिंग चैम्बर पे, और वो बहुत घबरा रहा है क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसकी शादी नॉर्मल शादी बिल्कुल नहीं थी, उसकी शादी बदले की थी, हीट की थी। उससे जिसके साथ उसका जो उसका अल्फा था उससे बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन उसका अल्फा जो है ना, जो क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम, सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर दुनिया का राजा बोल सकते हो उसे, उसके का मुकाबले कोई नहीं है। हर एक ओमेगा उस जैसा एक अल्फा चाहेगा, लेकिन जो ओमेगा उस बेड पे बैठा हुआ है वो नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ जो शादी हुई है वो नॉर्मल शादी बिल्कुल नहीं है। ये शादी बदले की है, बदले की आग में ली गई है, जो उसे जला के भस्म कर देगी, उसकी लाइफ को हेल बना देगी। उसे बहुत अच्छे से पता है। तो ना उस वेडिंग चैम्बर में एक वहाँ पे अल्फा आता है जो उस ओमेगा का अल्फा था। तो ना बोलता है कि वो वेलकम टू हेल। तो ना वो ओमेगा डर जाता है और बोलता है वी बोशियान। फिर ना वो ना उठता है वो ओमेगा, जिसका नाम भी बोशियान था, जिसको हम विंग बुलाएंगे। विंग उठता है और लंजन, मतलब उसके अल्फा के पास जाता है और बोलता है वेलकम होम अल्फा, क्योंकि उस वहाँ का रिवाज था जब एक ओमेगा का अल्फा बाहर से आता है, उसका ओमेगा उसे ग्रीट करता है और उसे वेलकम होम बोलता है दैट उस रीजन। तो ना हमारा विंग करता है तो बोलता है ओ पत्नी बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें किस लिए शादी किया है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था ना। तो ना हमारा विंग बोलता है प्लीज़ मुझे मत। फिर ना वो अल्फा बोलता है कि एकदम चुप, तेरी आवाज़ नहीं सुननी, तेरी आवाज़ मुझे डिटेट करती है। तो ना हमारा विंग बोलता है मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हैं आप, प्लीज़ मुझे छोड़, मैं आपको ये भी नहीं बोलता, मुझे छोड़ दीजिए वरना ये दुनिया मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, प्लीज़ मुझे मेरी बात तो सुनिए, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। तो ना वो अल्फा बोलता है तेरी गलती नहीं है, तेरे भाई की गलती है, तेरे भाई की गलती की वजह से मैंने मेरे भाई को खोया। तो जो तेरे भाई को तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार था, तो इसीलिए तुझे तो सजा मिलनी चाहिए ना, यू हैव टू पे फॉर इट। तेरे भाई की सजा तुझे मिलेगी क्योंकि तेरा भाई तो जिंदा है नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्योंकि मेरा भाई आपके भाई से प्यार करता था, जियांग चैन, मेरा जियांग चैन ब्रदर, मेरा ब्रिग ब्रदर आपके शिचेन गर्ल से प्यार करता था लैंसन। तो ना बोलता है क्या तूने मेरा नाम लेके कैसे बुलाया, तो मुझे मास्टर बुलाएगा। हाँ गाइस, ये हमारा अल्फा लामबांग जी है, द हंगकुनचुन है, जो अपने ओमेगा को ऐसे टॉर्चर कर रहा है। तो ना विंग बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, मेरा भाई मर चुका है, आपका भाई मर चुका है, तो मैं क्या करूँ, आपको कुछ पता नहीं, आप सुनना भी नहीं चाहते, मुझे बताने तो दीजिए मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। तो ना बोलता तेरे भाई ने क्यों किया, हाँ तेरे भाई को मेरा भाई कितना प्यार करता है और उसने क्या किया, वो जाके मर गया। तो ना विंग ना बोलता
प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको गलत फहमी हो रही है। तो ना भी लैंसन ना बोलता, मुझे तेरी गलत फहमी गई भार में, आई डोंट केयर, अभी तुझे तो मैं जन्म दिखाऊंगा। तो ना वो लैंसन वीन के कपड़े फाड़ने लगता है, बोलता है कि तू मेरा ओमेगा है ना, तो मुझे सर्व कर। तो ना उससे बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा है, बाइट कर रहा है, उसे बेड पे फेंकता है। उसके साथ बहुत रफ एंड टफ उन लोगों का चल रहा था। वीन चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और उसी दौरान लैंसन ने वीन को मार्क कर दिया। अभी विंग एक मार्क्ड ओमेगा है, कोई भी अल्फा विंग के आसपास भी नहीं जा सकता इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के, क्योंकि इस कल्टीवेशन के मोस्ट पावरफुल अल्फा ने उसे मार्क किया है। अभी वो लैंसन को बिलोंग करता है, अभी लैंसन उसके साथ कुछ भी कर सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो ना वहाँ पे ये चीखे कोई सुन पा रहा था, जो था लैन कुरैन, और बोलता है कि इस गधे को बात नहीं सुननी होती है और अपने ओमेगा को ऐसे ट्रीट कर रहा है। ये कथा जब कोई इसको सच्चाई पता चलेगी ना, ये कथा मतलब एक नंबर का गधा है, मैंने इसे कैसे एम्परर बना दिया। तो फिर लैन कुरैन सोचते हैं कि क्योंकि ये डिजर्व करता है, ये एक नंबर का गधा है जब वो अपने भाई के लिए आ जाता है। यार सॉरी गाइस, मैं यार बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई है यार बोलने की। तो ना लैन कुरैन बोलते ये बच्चा तो मेरी बात सुनने से रहा, मैं क्या करूँ, कैसे सच उसके सामने पोर्ट्रे करूँ, ये तो सच देखे बिना देखने का मतलब बहाना ढूँढेगा। तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन आता है और बोलता है मास्टर आप, तो बोलता है कि तुम जाओ मैं उसका कुछ करता हूँ। तो ना वो जेंगशी की तरफ जाते हैं, तो ना वो क्या करते हैं ना, वहाँ पे साइलेंसिंग स्पेल और चाम लगा देते हैं, क्योंकि उनको भी आता है वो होता, उस उनसे ही लैंसन ने सीखा है। तो उन्होंने लगा दिया क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते थे कि विंग की चीखे, क्योंकि विंग को ना बहुत पैम्पर करते थे, क्योंकि विंग ना बहुत अच्छा ही बच्चा था, लेकिन नॉटी था लेकिन बहुत अच्छा बच्चा था। तो ना लैंसन ना फिर विंग को बहुत ज़्यादा खराबली ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा। विंग ना एकदम मतलब उसके साथ 5-6 राउंड करने के बाद विंग तो भाई वो बेहोश हो जाता है। तो ना लैंसन ना मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कुछ में भी जो वो कर रहा था, इसलिए ना उसका मतलब उसने कभी प्रोटेक्शन के बारे में सुना नहीं और उसने यूज़ नहीं किया। तो ना लैंसन और विंग का फर्स्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा विंग के लिए हॉरिबल था और लैंसन को दिल को सुकून देने वाला, लेकिन लैंसन को पता था कि अभी वो सुकून में रहेगा कि वो विंग को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन ना वो उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, उसकी लाइफ को अजीब बना रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, व्हाई शी फील लाइक दैट। ना उन्हें उसे ना मतलब उसे लगा था कि अभी विंग को टॉर्चर करके उसके दिल को सुकून मिलेगा, उसके भाई की मौत का वो बदला ले रहा है तो उसे अच्छा फील होगा, उसे बहुत प्राउड फील होगा खुद पे, खुद को। वो जितने रातों से सोया नहीं है वो अभी चैन से सो पाएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ना इसलिए ना मतलब विंग तो बेहोशी था, तो लैंसन ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसका फीलिंग्स ना बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था कि वो बोल दे कि क्या उसे हर्ट कर रहा है, उसे मतलब उसे उसे हर्ट हो रहा है या उससे अच्छा लग रहा है, वो क्या बुरा फील कर रहा है या फिर बोर फील कर रहा है, उसे सब उसकी फीलिंग्स को ना लैंसन की फीलिंग्स लैंसन खुद नहीं जानता था। तो ना लैंसन वहाँ से उठ के नहा के लिए चला जाता है, तो ना
बींग वहाँ पे बेड पे तो पूरा उसका ब्लड से, उसके बाइट मार्क्स से पूरा कवर था। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है, लैंसन वहाँ पे विंग को देखे ना उसके शरीर पे ब्लैंकेट उड़ा के वहाँ से चला जाता है रूम से, और बाहर जाके ना मतलब तारों को देखने लगता है और वो सोचने लगता है, गगा मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगा था कि जब मैं उसे हर्ट करूँगा तो आप मुझे दिल को सुकून मिलेगा कि आपको जिसने हर्ट किया, मैंने उसके प्यार उसकी प्यारी चीज़ को हर्ट किया है, तो ना मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग राइट, वाई मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे बताओ, आई रियली वॉन्ट टू नो गगा, आप कहाँ पे हो, आप क्या, हाँ हो। तो ना लैंसन ने सब होता है, तो ना लैन शिचेन और जियांग चेन की कहानी में थोड़ा जाता है, लैन शिचेन और जियांग चेन एक दूसरे को प्यार करते हैं, और ना मतलब लैन शिचेन गायब हो गए थे और सब लोगों को लगा है कि लैन शिचेन मर चुके हैं, और कुछ दिनों के बाद जियांग चेन भी ठीक वैसे ही गायब हो जाता है, तो उसका भी मतलब उड़ती उड़ती खबर आती है कि वो भी मर चुके हैं, क्योंकि ना लैन शिचेन और जियांग चेन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो लैन सेट और जियांग सेट ने, लैन शिचेन एक अल्फा थे और लैन को जियांग चेन एक ओमेगा, जियांग चेन के साथ जब लैंसन मीट किया था, क्योंकि वो मीट करवा दिया था लैन शिचेन ने अपने छोटे भाई से अपने बॉयफ्रेंड को, तो ना जब लैन शिचेन के साथ लैंसन की बात हुई थी तो ना लैंसन ने नोटिस किया था कि जियांग चेन ना बहुत बातें करता था विंग की, विंग ऐसा है, विंग बहुत नॉटी है, विंग को ऐसा करना है। तो ना लैन शिचेन ने भी बताया था कि जियांग चेन अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है, जियांग का छोटा राजकुमार सब लोगों का लाडला है, तो इसीलिए ना सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए लैंसन ने मतलब जियांग चेन को से बदला लेने के लिए विंग के साथ शादी कर ली और विंग को ऐसे चोट पहुँचा रहा था। तो ना विंग ना बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन शिचेन और जियांग चेन की शादी के कुछ दिन पहले लैन शिचेन गायब हो गए, और दूसरे दिन मतलब कुछ दिनों के बाद जियांग चेन, और ऐसी खबर आ रही थी कि लोग अल्फा उड़ा रहे थे कि जियांग चेन का किसी और के साथ अफेयर था, इसीलिए लैन शिचेन मरने के लिए चले गए लाइक दैट, और ऐसे ऐसे मतलब खबर उड़ रही थी कि जियांग चेन बेवफा है, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था। तो ना विंग लैंसन पहले मान नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, वो डजंट वांट टू दैट, तो उसने बिलीव नहीं किया। तो जब जियांग चेन मतलब बहुत सारी प्रूफ चीज़ें आ रही थी, तो ना भी लैंसन मान रहा था कि हाँ ये हो सकता है शायद। तो इसीलिए जब जियांग चेन भी गायब हो गया था, जियांग चेन को ना वो सज़ा देना चाहता था, जब वो जियांग का लैन जाता है लैंसन जियांग चेन को पकड़ने के लिए, तब उसे पता चलता है वो भी एक हफ्ते से गायब है। जियांग चेन लैन शिचेन के एक हफ्ते के बाद ही लैन जियांग चेन भी गायब हो गया था, तो इसीलिए सब लोगों को लगा कि वो सब मर चुके हैं। तो ना लैंसन गुस्से में आ गया था, उसे किसी को तो हर्ट करना था, किसी को तो पेन देना था। फिर उसके दिमाग में आया कि जियांग चेन अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है, तो ना उसने विंग को शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा, और उन्हें मानना भी पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैनल का और फर्स्ट वंक्शन FF है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये FF आप लोगों को कैसी लग रही है। और गाइस मेरा फर्स्ट चैनल में तो मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, मैं इसमें भी वंक्शन रोज़ वीडियो डालूँगी, प्लीज़ चेकआउट करना, क्योंकि मेरे इस चैनल में बहुत सारे मांगा भी मैं अपलोड करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना इसीलिए। तो ना लैंसन मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था, और वो लविंग को जियांग चेन की वजह से हर्ट कर रहा था, उसने शुरू से शादी से पहले लविंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। तो ना जियांग शादी के लिए मना करना चाहते थे, लेकिन
मैडम लैन कुरन ने बताया था कि अगर ये शादी नहीं हुई तो बहुत ही ज़्यादा गंदा मेस क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा उन्हें वक्त दे, और वो चाहते थे कि लैन कुरन चाहते थे कि चेंग चैन और शी चैन को वो ढूंढे, क्योंकि उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी। उन्होंने वो जानते थे कि वो उनके उनका नेफ्यू इतना कमज़ोर नहीं है, वो मर नहीं सकता, तो ना इसीलिए वो ढूंढना चाहते थे। तो इसीलिए ना उन्होंने बोला था कि शादी कर दो, वरना बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा जो बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। तो इसीलिए ना लैंसन की इज्जत किया गया सब लोगों को, मतलब वो एक एम्परर था, वो से जियांग क्लैन एक छोटा सा क्लैन था जो लैंस के अंडर आता था। वो वैसे भी अगर लैंसन बिंक उठा के लेके चला जाता तो भी वो कुछ नहीं कर पाते। अभी तो लैंसन उसकी मतलब बिंक को उसका ओमेगा बना के कॉन्केपैन भी नहीं उसका हस्बैंड बना के लेके जा रहा है, शादी करके लेके जा रहा है। तो लैंस कुरन ने समझाया था कि कर तो अभी शादी, वरना बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा जो बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए ना लैंस कुरन की बातें सुन के जियांग फैमिली या मैडम यू मान जाते याली की तो शादी जिन क्लान में बहुत पहली हो गई थी। तो इसलिए ना लैंसन ना की शादी और विंग की शादी तय हो जाती है, क्योंकि इज्जत भी तो एक बात होती है ना। तो हर एक माँ बाप अपने बच्चे की इज्जत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। हाँ, अगर लैंसन उसको मतलब कि विंग को टॉर्चर भी करता है, तो उन्हें पता था कि विंग का नेचर ऐसा है कि लैंसन को उसके प्यार में गिरना ही पड़ेगा। मैडम यू को तो ये बहुत अच्छे से पता था, तो उसका बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा है तो लैंसन को अपने प्यारों में गिरा के ही रहेगा। तो इसीलिए ना जब लैंसन और विंग की शादी होती तो ना मैडम यू बहुत ज़्यादा ही मतलब उनको बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, क्योंकि उनके बेटे की लाइफ ऐसी हेल हो रही थी। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा हो, लेकिन वो करे तो करे क्या, ना वो कुछ कह पा रही थी ना सह पा रही थी, वो बहुत रोती है। तो विंग भी बहुत रोता है, क्योंकि विंग को भी पता है कि लैंसन क्यों उससे शादी कर रहा था। और हमारे विंग से 15 साल का है, अभी उसके 16 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ, उसको शादी करके उसके घर छोड़ के आना पड़ा, अभी उसको ऐसे टॉर्चर मिल रहा है। तो ना विंग फिर मतलब ऐसी ही कहानी थी। तो ना लैंसन ना सोचता है कि गग्गा मैं आपको मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं, अगर वो कल्प्रिट है तो मैं उसे सज़ा दूंगा, मैं उसके भाई को सज़ा दूंगा, अगर मैं उसके भाई को सज़ा दूंगा तो वो आपको मतलब उसे भी हर्ट होगा, तो आपके हर्ट को मैं भी कम करूंगा। ऐसा बोल के ना वो ऐसे चला जाता मेडिटेशन में, कोल्ड पॉन में। तो ना लैंसन दोहा भी चला जाता है। तो सुबह होती है, सुबह होने के बाद सुबह के 10 बज जाते हैं, और हमारा विंग लैंस फ्रेंड था, क्योंकि हाँ लैंसन उससे बदला ज़रूर लेना चाहता था, लेकिन लैंस में ना था कि कॉन्केपाइन या फिर दूसरी शादी नहीं करते थे, उनको नहीं करना था, मतलब उनके रिचुअल में था ही कि एक शादी एक वाइफ हैप्पी लाइफ, वो ऐसा मानते थे। लेकिन बाकी क्लैंस को तो कॉन्केपाइन शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी ऐसा करते थे, लेकिन लैंस नहीं करते और जियांग्स नहीं करते। लैंस और जियांग्स में ये दो बातें कॉमन थी कि वो दूसरी शादी नहीं करते, एक ही शादी करते हैं और ना ही कॉन्केपाइन रखते हैं। तो इसलिए वो मतलब अच्छा क्लैन था और अच्छा एक एम्परर था लावांग जी। तो लैंसन ना सुबह होती अपने कोर्ट के लिए मतलब सब कुछ सबको रोल करने के लिए चला जाता है, और विंग सुबह के 10 बज जाते नहीं उठता। फिर वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है तो उसकी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी, उसके बाइट मार्क्स, उसकी मतलब उसका पूरा बॉडी एकदम सुन पड़ा हुआ था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो उसके जो सर्वेंट्स थे वहाँ पे आते बोलते लैंस फुरन, तो ना विंग अपना सर ऊपर करता है। फिर ना वो ओमेगास थे,
वो ओमेगा मेल फीमेल थे, तो ना वो बोलते लैंड फोरन आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो ना बींग अपना सरहा में हिलाता है और बोलते तो मुझे नहाने में मदद करो। तो ना लैंड कुरन ने विलेंसन विंग से पहले ही कर दिया था कि हम लैंसन को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन तुम लैंसन के अलावा किसी की बात ना सुनना, ये तुम्हारा पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लैंसन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। दैट वॉज वो लैंड कुरन विंग को बहुत पसंद भी करते थे, वो चाहते थे कि विंग उसके नेफ्यू का ओमेगा बने, वो चाहते भी थे ऐसा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन थी कि लैंसन कुछ सुनना नहीं चाहता था, और ना लैंसन ना बहुत ही मतलब लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा ही अपने लाइफ को लेके ना कंफ्यूज था कि वो चाहता क्या है, विंग को दर्द देना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या होगा या क्या नहीं। तो इसीलिए ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब लैंड कुरन भी कंफ्यूज थे, लैंसन तो खुद कंफ्यूज था कि वो दर्द देगा या फिर कुछ देगा, वो हेट करता है क्या पसंद करता है उसे कुछ नहीं पता, वो कंफ्यूज है। और लैंसन ना अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज है, जो ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपनी फीलिंग्स को अपने में ही, तो इसलिए ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। जब भी वो ना कुछ अलग सुनता था, बातें सुनता था ना, तो क्या करता था ना, वो ना चिल्ला के लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहा था। तो ना एक वहाँ का जो काम करते हैं जो एल्डर्स थे, तो ना वो बोलते हैं क्या ये क्या फील कर रहा है लैंसन, लैंसन क्या गधे की तरह, मतलब ये क्या है, लैंसन का बिहेवियर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, वो सब लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ या फिर वो करो या फिर ये करो, मतलब ये उसका मतलब उसका दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो ना लैंड कुरन ना मुस्कुराते और बोलते मतलब एम्परर, तो बोलते लैंसन बोलता है क्या हुआ अंकल, तो ना लैंड कुरन बोलते हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। तो ना लैंसन बोलता है क्यों क्यों, बोलता है कि क्योंकि तुम ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम सिर्फ गुस्सा कर रहे हो, और जो बिल्कुल सही बात नहीं है लैंसन, तुम्हें एक गुड एम्पर की तरह तुम बिहेव नहीं कर रहे हो अभी। तो ना लैंसन बोलता है तो मतलब आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट यू आई एम ट्राइंग टू से। तो ना लैंसन बोलता है ऐसा अपने अंकल को, तो उसका अंकल बोलता है क्या, मतलब उसका अंकल बोलता है कि देखो मैं तुम्हें यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने माइंड को फ्रेश करो फिर करो, जो काम करना है तुम करते हो वो करो। तो ना लैंसन ना बोलता है कि क्या सच में, तो ना लैंसन अपने में बोलता है कि हाँ, क्या वो गधे की तरह सब कुछ कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे भी एक अपना मतलब उसका माइंड फ्रेश होना चाहिए, ये क्या कर रहा है वो खुद नहीं पता। तो ना वो विंग के कमरे में चला जाता है, वो विंग को टॉर्चर कर रहा है का क्योंकि वो उसे हट करना चाहता है। तो ना विंग ऐसा मतलब लैन मतलब विंग के पास जाता है, तो ना देखता है कि विंग खुद ही अपने मतलब अपने सर्वेंट्स को दे के मतलब वो चल रहा था। तो इसलिए ना लैंसन मतलब फिर ना विंग की हालत देखता है कि विंग खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो ना उसे ना बहुत ख़राब लगता है कि उसने सच में क्या उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ना लैंसन ना गिल्टी फील कर रहा था, तो ना बोलता नहीं 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 मैं तो नहीं करूँगा। फिर ना लैंसन को जब विंग देखता है ना वो ग्रीट करता है, बोलता है एम्परर, तो ना वो बोलता है ऐसा सर झुका के वो ग्रीट करता है, तो ना विंग ना वहीं पे ही गिरने वाला था, तो ना लैंसन वहाँ पे चला जाता है और उसे बहुत ज़ोर से पकड़ता है, उसे बहुत ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है कि तुम क्या नाटक कर रहे हो। तो ना विंग ना मतलब विंग बहुत मुफ्त था, जो मन में आता था ना वो बोल देता था, अगर वो डर भी रहा हो फिर भी वो बोल देता था, इतना ज़्यादा करज था विंग में। तो ना विंग बोलता है कि आपको क्या नजर नहीं आ रहा है, आपने मुझे डॉग की तरह बाइट किया है। तो ना लैंसन बोलता है क्या बोला, मैं एक एम्परर हूँ और एम्परर के साथ ऐसे बात करते हो तुम,
तो ना विंग बोलता है एम्पायर के भार में पहले तुम मेरे पति हो, ऐसा कोई करता है क्या? तो ना लैंसन खुद तो मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है कि पहले तो ये बच्चा मुझसे बहुत डर रहा था, अभी डर नहीं रहा, क्या उसे नहीं पता कि मैं उसे सजा दे सकता हूँ? तो ना लैंसन बोलते तुम्हें क्या, तुम मेरे साथ जो मतलब जो मतलब क्या बोलते उसको, ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी सज़ा दूंगा तुम्हें। तो ना लविंग बोलता है कि यार और क्या सज़ा दोगे, कुत्तों की तरह बाइट किया, एक जानवर की तरह मेरे ऊपर चढ़ के और क्या करोगे, तो क्या करोगे, मारोगे या फिर मुझे मार डालोगे? ये दो ऑप्शन थे जो मैं उन दोनों में से अभी तो मैं कुछ भी नहीं डरूंगा। तो ना लैंसन ना बींग को ना विंग को ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं डराने की कोशिश कर रहा था। तो ना विंग बोलता है अगर आप एम्परर हो मैं एम्प्रेस हूँ। तो ना लैंसन बोलता है मैंने ही तुम्हें ये दिया है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, क्यों दिया? तो बोलता है कि क्यों क्यों दिया मतलब तुम्हें नहीं चाहिए क्या मैं तुमसे छीन दूँ? तो ना बींग बोलता है अभी आप छीन नहीं सकते क्योंकि आप दोबारा शादी नहीं करोगे और मैं आपकी लास्ट एंड फर्स्ट वाइफ हूँ, आप कॉन्क्यूपैन भी नहीं रखोगे, जो है मैं ही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप मेरे अलावा कहीं पे नहीं जा सकते, ये लैंड क्लैन का रूल है। तो ना लैंसन बोलता है मैं रूल बदल दूँगा, मैं एम्परर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलता है लैंसन बोलता है विंग बोलता है तो फिर सब रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, तो मैं भी अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकता हूँ क्योंकि मैं एम्परर हूँ। तो ना लैंसन ना कन्फ्यूज होकर ना विंग को देखता है, बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ अगर आप कॉन्क्यूपैन या फिर दूसरी शादी करोगे तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा, मैं आपको तलाक दे दूँगा। तो ना लैंसन बोलता है तुम देख के दिखाओ। तो बोलता है विंग बोलता है तो आप दूसरी शादी या फिर कॉन्क्यूपैन रख के दिखाओ। तो लैंसन ना सोचने लगते इसके अंदर इतनी करेज कैसे आ गई। तो ना ये सच था कि अगर डर आप कितना ही डर लोगे किसी से तो विंग भी लैंसन से कितना ही डर लेगा और लैंसन कितना ही कर लेगा क्योंकि उसने तो देख लिया है कि लैंसन का मतलब कितना दूर है उसका हिम्मत और ताकत। तो इसलिए ना लैंसन विंग ना भी अपनी मतलब मस्त मौला फॉर्म में आ गया था, अभी वो उसे दिखा देगा, लैंसन को दिखा देगा कि वो उसे नहीं डरता। क्यों डरे? क्योंकि वो उसका पति है, पति से डरना चाहिए? क्या वो मॉन्स्टर है? पहले ना विंग अपने फ्रेश होके जब वो आ रहा था ना तो ये सब सोच रहा था, उसने एक घंटे का एक बात बहुत गर्मी मतलब गर्म पानी से हर्ब से बात लिया था और वहाँ पे वही यही सोच रहा था कि वो अगर किसी को अपने ऊपर हावी होने देगा तो वो इंसान उसके ऊपर हावी होगा ही, दैट इज़ नॉर्मल थिंग ना। तो ना विंग अपने ऊपर मतलब एकदम बोलता है कि अभी वो विंग लैंसन को उसके ऊपर हावी होने नहीं देगा, वो कुछ भी करेगा एनीथिंग, लेकिन वो विंग लैंसन को अपने ऊपर हावी तो बिल्कुल नहीं होने देगा। तो ऐसा ही फिर ना लैंसन बोलते हैं अभी तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा मुंह ज़्यादा नहीं चल रहा। तो ना लैंसन विंग बोलता है कि तो क्या हुआ है एम्परर, सॉरी हस्बैंड, ऐसा बोल के। तो ना लैंसन बोलता है क्या तुम रात की बातें भूल गए हो? तो ना विंग बोलता है देखो अभी मैं याद रखे भी क्या करूँगा, याद रखूँगा ही खुद को ही तकलीफ होगी तो भूल जाता हूँ ना। और ना लैंसन बोलता है कि तुम, तो ना लविंग बोलता है अगर सच्चाई सामने आई और मेरे गगा का कोई कसूर ना निकला और तुम मुझे अभी इतना तकलीफ जो दे रहे हो फिर क्या करोगे? तुम मेरे पैरों के नीचे गिर के मुझसे माफ़ी मांगोगे, फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो ना लैंसन बोलता है ये कभी नहीं होगा, तुम्हारा भाई गलत था। तो ना विंग बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है? तुम्हें किसने बताया? वो बताना ज़रूर, उसका उस बात में कोई सच्चाई थी या नहीं उसे जानना ज़रूर। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस, आई होप आप लोगों को ये
फैन फिक्शन पसंद आ रही, पसंद आ रही तो प्लीज़ कमेंट करना, ये न्यू चैनल है और यहाँ पे मैं मांगास, मूवीज़, ड्रामास एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ तो इसीलिए ना, सॉरी गाइस, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके लिए मतलब मांगास या फिर कोई ड्रामा एक्सप्लेन करने के लिए देखना भी पड़ता है और अभी मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं वॉन्गशन FF पोस्ट कर रही हूँ जो इस चैनल को चालू रखने के लिए। ओके गाइस, नहीं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरा फर्स्ट चैनल भी है वहाँ पे, तो मैं वॉन्गशन और तेगो रोज़ वीडियो डालती रहती हूँ और वहाँ पे स्पेशल एपिसोड भी मैं डालती रहती हूँ, तो नए हो तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई लव यू गाइस, बाय बाय। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि आप फिर उसके खींच के एक विलेंजर ना तमाचा मारता है, बोलता है कि अपना बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। फिर ना विंग अपना चिक्स को पकड़ के बोलता है कि अब पछताओगे, आप पछताओगे। वो ना बहुत रोता है क्योंकि उसे कभी किसी ने हर्ट नहीं किया और अभी विलेंजन उसे बात बात में हर्ट करता है, उसे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो ना हर्ट भी नहीं करना चाहता था, वो क्या करना चाहता है लैंसन उसे खुद नहीं पता, और उसके दिमाग में विंग की हर एक बात घूम रही थी कि विंग ने क्या क्या बोला, उसे क्या रिग्रेट होगा क्या नहीं होगा, उसे कुछ पता नहीं, उसे कुछ पता करना भी नहीं, उसे भी सुकून चाहिए था। तो ना विंग को ना बहुत मारता, बहुत रियली बहुत मार के बोलता है कि आई हेट यू, तुम्हारे भाई की वजह से मेरे भाई की। फिर ना विंग बोलता है अभी तक तुम्हारे भाई की डेड बॉडी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला कि तुम्हारा भाई मर चुका है। तो ना सब बोल के ना वो मतलब वॉमिट करता है खून की और बेहोश हो जाता है। तो ना लैंसन ना सोचने लगता है और उस विंग को गोद में उठा के हिलेस के पास लेके चला जाता है और विंग हिलेस उसे चेक करते हैं और बोलते हैं फुरन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी पहले से ही और आपने। तो ना हिलेस चुप हो जाते हैं और बोलते हैं हमने ट्रीट कर दिया है और अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए तो इनकी तबीयत और इनकी बॉडी और ज़्यादा वीक होने लगेगी। तो ना लैंसन को पता नहीं था कि विंग का बॉडी बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते उसको वीक है, तो उसे कभी नहीं मारता, उसे वायलेंस नहीं करता, वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। लैंसन इतना तो सेंसिबल है, उसे लगा था कि विंग अभी एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विंग एक वीक ओमेगा है, इसीलिए ना वो ना तो अपना सर हाँ में हिलाता और बोलता ठीक है। तो ना ऐसे ही 2-3 महीने चले जाते, विंग को ना भी वो मारता नहीं था, विंग लैंसन उसे सिर्फ ना काम करवाता था और खड़े रहता था, उसे पनिशमेंट देता था लिखने का और ये सब देता था उसे कर, उसके ऊपर उस दिन के बाद से हाथ नहीं उठाया था, सिर्फ 2 बार ही हाथ उठाया था, और जो वेडिंग नाइट के दिन और वेडिंग नाइट के दूसरे मतलब दूसरे दिन भी वेडिंग के वही बस, और कभी भी फिर लैंसन ने विंग के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। तो ना विंग को अच्छा लगा कि जब हिलर्स ने बताया कि वो बीमार है और वो ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी उसका मारना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए ना वो मतलब क्या बोलते उसको लैंसन ना लैंसन ने उसे नहीं मारा तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन लैंसन उसे पनिशमेंट तो देता ही रहता था, उसके हाथ पे मतलब बुक रख के उसे खड़ा रहने के लिए बोलता था, उसे 3000 रूल्स लिखने के लिए बोलता था, और जब वो जिंगशी जाता था तो जिंगशी का सारा काम उसको देख के करवाता था, लैंसन का हर एक काम विंग करता था और विंग का भी काम वो खुद करता था, विंग बहुत सारे सर्वेंट्स थे। तो ना फिर भी विंग को करवाता था, विंग की बॉडी ये सब ले नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने में विंग के साथ लैंसन ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया था, उसके साथ हर रोज़ ज़बरदस्ती करता था लैंसन। तो ना ऐसे ऐसे करके ना लैंसन ना मतलब बहुत ज़्यादा ही
कम कर रहा था विंग को सताना, उसे विंग की नॉटीनेस, उसका बोल देना कि तुम बहुत बुरे हो, मतलब इंस्टेंट उसका एक रिप्लाई आ जाता था, तो ना वो बहुत अच्छा लगता था। जो विंग डिफेंड करता था खुद को और बोलता था, मतलब वो लॉजिकल बातें करता था, विंग कभी इलॉजिकल बातें किया नहीं था। हाँ वो करता था, वो बकवास करता था विंग, लेकिन वो बकवास बिना भी लैंसन को अच्छी लगने लगी थी। लेकिन विंग के दिल में हमेशा से विंग लैंसन के लिए डर बैठ गया था, क्योंकि लैंसन कभी भी मूड चेंज हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। लैंसन ने ऐसा किया था तो इसलिए ना विंग ना बहुत ज़्यादा डरता था, और उसने ठान लिया था कि वो कभी भी लैंसन को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उसे सज़ा दी गई जो विंग कभी नहीं भूलेगा। तो ना लैंसन की हर एक चीज़ करता था, वो ना बहुत सहम गया था विंग। विंग पहले बहुत ज़्यादा चेयरफुल होता था, बात करता था, खेलता था। लैंसन ने भी देखा है कि विंग कितना चेयरफुल एक बच्चा, मतलब बच्चा ही बोल सकते हो, अभी 15 साल के बच्चे को बच्चा था, बहुत ही खूबसूरत सा एक, मतलब बटरफ्लाई की तरह उड़ने वाला बच्चा जो अभी एकदम मुरझा गया 6 महीने में। तो ना विंग ना मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। तो ना लैंसन को समझ नहीं आ रहा था खुद करे तो करे क्या। वो ना फिर विंग को एकदम ही इग्नोर करने की कोशिश करता, उसे चोट नहीं पहुँचाता। ऐसे ही 6-7 महीने बीत जाते। 7 महीने के बाद ना लैंसन अपने दरबार में था और वहाँ पे कार्रवाई करवा रहा था कि सेट के कुछ चीज़ें थी और बाहर के सेट के भी कुछ चीज़ें काम आए हुए थे, वो भी हैंडल कर रहा था। लैंसन एक एम्परर था तो इसीलिए तो ना वहाँ पे बोलते हैं कि अनाउंस होता है वहाँ पे, वो ना वहाँ पे अनाउंस होता है और वो इंसान आता है। तो ना लैंसन जब वो अनाउंस सुनता है तो ना उससे हो जाता है, और दूसरी तरफ वो इंसान किसी के साथ आता है और किसी को अपने गोद में लेके आया हुआ था। मतलब वो देख के ना लैंसन शॉक्ड हो जाता है और ना भाग के अपने भाई की बाहों में चला जाता है और बोलता है ख, ऐसा बोल के ना हक कर लेता है और रोने लगता है, मैंने आपको बहुत मिस किया बहुत। और शिजन बोलता है कि आई लव यू, मैंने भी तुम्हें मेरे बांग जी को बहुत मिस किया है। तो ना लविंग लैंसन ना बहुत रोता है और बोलता है आपका मुझे बताया गया था कि आप, फिर लैंसन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन क्योंकि हम दोनों ही गायब हो गए थे, क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की और हमें नहीं पता था कि वो कौन है, और हम मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को और मेरे वाइफ को कुछ हो जाए, तो पहले मैं गायब हो गया, फिर मैंने तुझे खत भी तो लिखा था ना। तो ना वी लैंसन बोलता है मुझे कोई खत नहीं मिला। तो ना वहाँ पे जेंगचेन ना मतलब कंफ्यूज था कुछ। फिर ना वहाँ पे एक जियांग डिसिपल आता है, जो विंग के साथ, विंग की एक मेड आई थी ना, वो जियांगचेन को देख के बोलता है राजकुमार, ऐसा बोली वो उसके पास आ जाती है। तो ना जियांगचेन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम तो विंग की दोस्त हो ना और विंग के साथ। तो बोलता है हाँ, क्योंकि विंग यहाँ का मतलब, फिर ना वो सर्वेंट सब कुछ बता देती है और फिर लैंसन ने विंग को कैसे टॉर्चर किया वो भी। तो ना जियांगचेन बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है लैंग वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया जिस बारे में पता नहीं, उस जिसे वो पता नहीं, तुमने उसे ढट पहुँचाया। और सब लोग ना विंग के कमरे की तरफ चले गए थे। फिर ना वो सर्वेंट की भाग के आई थी, क्योंकि विंग ना बेहोश हो गया था, तो इसलिए ना वो भाग के गई थी सबको बताने के लिए कि विंग बेहोश हो गया। तो ना विंग जब जियांगचेन को पता चलता है ना, वो भाग के अपने भाई के पास जाता है जिंगशी। तो सब लोग वहाँ पे लैन कुरैन, लैन शिचैन और लैंसन भी जाते हैं, और लैंसन शिचैन की बाहों में एक बच्चा भी था। तो वो देख के ना वो सब लोग बहुत ज़्यादा शौक थे, वो 4 महीने का बच्चा था।
बच्चा सॉरी 3-2 महीने का बच्चा था। तो ना शिचैन वांग जी को बोलते, तुमने ये क्या किया वांग जी? तो बोलते हैं भाई, फिर ना वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लैंड हीलर्स जाते हैं, लैंड हीलर्स बींग को चेक करते हैं, और लैंड हीलर्स 2 घंटे के बाद बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आपसे कुछ बात करनी थी एम्परर। तो बोलते हैं सब, फिर ना लैंड कुरियन गुस्से में आ जाते हैं और बोलते साफ साफ जो बोलना है वो बोलो। तो ना वो हीलर बोलते हैं कि ये प्रेग्नेंट है मतलब 1 महीने से। और फिर बोलते और क्या, फिर बोलते इनकी बॉडी बहुत वीक है और उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है आपके सेंट की, क्योंकि अगर आप उसके उनके साथ रहोगे तो ही इनकी तबीयत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप एक रेयर अल्फा हो और आपका बेबी भी आपके गुणों को ही शायद अडॉप्ट कर रहा है। इसीलिए तो ना लैंजन ना स्टिफ हो जाता है। पहले तो सब लोग मतलब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि एम्पायर का एक बच्चा आ रहा है, उनका हायर आ रहा है। तो ना जियांगशेन बोलता है, मैं कभी भी विंग को तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा, वो वापस जाएगा और इस बच्चे को अडॉप्ट कर देंगे। तो ना लैंड हीलर बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये कभी माँ दोबारा बन नहीं पाएंगे और इनकी जान को भी खतरा होगा। वैसे भी ये बहुत कम उम्र के हैं और ये मतलब इनका इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर है। वैसे ही तो ना जेंगचन रोने लगता है और बोलते सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ही सब हुआ, मेरी गलती की वजह से। वो ना बहुत रोता है जेंगचन। तो ना विंग ना फिर 2 दिन बाद क्या बोलते हैं उसे होश आता है। तो ना वहाँ पे उसको साथ लैंसन था, तो ना लैंसन को देख के ना वो मुँह फुला लेता है और बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो एम्परर, आपका तो काम होगा ना? तो ना लैंसन बोलता है, मुझे कोई काम नहीं है, मेरा सिर्फ अभी एक ही काम है, मेरे ओमेगा और मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, भाई सब संभाल लेंगे। तो ना विंग बोलते भाई, तो बोलते हाँ, तुम्हारा भाई और मेरा भाई वापस आ गया है। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है जब वो सुनता है उसका भाई वापस आ गया, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। तो ना विंग छट से उठता है, तो ना उसका टमी पकड़ लेता है, बोलता है आ। तो ना लैंसन बोलते आराम से, हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपने गगा से मिलने के लिए, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, रुक जाओ पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लो। तो ना विंग बोलता है, नहीं मैं अकेले जा सकता हूँ यहाँ पर, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ना विंग लैंसन बोलता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो ना लैंसन विंग बोलता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है एम्परर, आप अपना काम कीजिए, आपको अभी सच्चाई पता चल गई है ना? तो ना विंग लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और घुटनों में आ जाता है विंग के सामने। तो ना विंग मुंह फेर लेता है और लैंसन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में था, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था विंग, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, बट मैंने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हूँ मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन विंग मैं सच बता रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, तुमने बोला था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। शाओजी बोल रही थी कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे पास मुझे किसी को भी नहीं आने देंगे, कोई भी आने नहीं देगा, मेरे बच्चे के पास कोई आने नहीं देगा। अंकल भी यही बोल रहे थे कि वो तुम्हें मेरे पास आने नहीं देंगे, प्लीज़ तुम्हें अभी मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ विंग, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, मुझे पता है मेरी बहुत सारी गलती है, तुम मुझे हमेशा तुम चाहो मुझे कोड़े भी मार सकते हो, तुम्हें जितने चाहे मुझे उतने कोड़े मरवा दो, जितने चाहे उतने रूल्स लिखवा दो, जितने चाहे तुम्हें जैसा चाहे तुम वैसे सजा दो मुझे, लेकिन विंग प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो, मेरे मॉम डैड मेरे पास नहीं थे, मेरे मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो, प्लीज़ विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो,
मुझे तुम्हें खुद को प्यार करने दो प्लीज़ फिंग आई लव यू सब बोल के ना लेंसन बहुत रोता है लिटरली बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और फिंग देख के समझ आया था कि वो दो दिन से बेहोश था और लेंसन ने बहुत रोया है। तो ना फिंग बोलता है मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए एम्परर। तो ना लेंसन बोलता है लेंसन या फिर वांग जी तुम जो चाहो वो बोल सकते हो लेकिन एम्परर नहीं प्लीज़ विंग। ऐसा बोल के ना विंग के फॉरहेड पे और उसके टमी पे किस करता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज का फैन फिक्शन भी अच्छा लगा। ये न्यू फैन फिक्शन न्यू चैनल में है। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस में स्टोरी सुनना पसंद है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो इसलिए मैं मांगा या मूवी मतलब रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं मेरे पास स्टोरीज़ हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जब हमने लास्ट टाइम देखा था लेंसन ने विंग के फोरहेड पे और टमी पे किस किया था तो विंग ना दोरा से दूर हो जाता है और लेंसन को समझ आ जाता है कि विंग मतलब सही फील नहीं कर रहा है और वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए ना उसे बहुत बुरा लगता है कि विंग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो चाहता था कि वो विंग को प्यार करे बोले और उसे महसूस करे लेकिन विंग ना उससे दूर चला जाता है क्योंकि ये उसका मतलब ये उसको चाहिए मतलब उसका किस्मत था क्योंकि उसने जैसा बोया है वैसा काटेगा हर इंसान। वैसे ही तेहंग ना विंग ना बहुत सोचता है और बोलता है वो ना सबके सामने जाता है और सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि एम्पायर का बेबी आने वाला है नेक्स्ट हायर आने वाला है और लैंग चेन और मतलब जेंग चेन का बेबी एक ओमेगा गर्ल बॉय था तो वो हायर बन नहीं सकता। तो इसीलिए ना वो मतलब जिससे मतलब वो हायर मतलब हायर की एक रिस्पेक्ट होती है ना वो ऐसा कर रहा था। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे लैंड क्लैन में उनका मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन जिन क्लैन वेन क्लैन बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते उसको खुश नहीं थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एम्पायर का कोई भी लिटरली कोई भी उत्तराधिकारी बने और वो चाहते थे कि एम्पायर उनके मतलब जो उन्होंने भेजे थे कॉन्सर्ट वो अफर करते रहते थे तो उनके क्लैन से कोई हो जेंग क्लैन से दोनों लेंस ने शादी कर ली अभी बच्चे भी कर लिए तो उन्हें पता था कि लेंस कभी भी दोबारा किसी शादी नहीं करते और कॉन्क्यूपाइन भी तो नहीं रखते वो ऐसे शौकीन मिजाज के है नहीं। तो इसीलिए ना वो बहुत गुस्सा हो रहे थे वो जियांग्स के लैंड के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे लिटरली बहुत ज़्यादा लेकिन क्या कर सकते हैं जो किस्मत में होता है वही होता है। तो ना वहाँ पे विंग आता है सबके सामने और बोलते हैं मुझे घर जाना है मुझे मम्मा पापा के पास जाना है आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू हियर मुझे जाना है यहाँ से प्लीज़ मुझे जाने का अनुमति दीजिए एम्परर। वो ना अपने घुटनों में आ जाता है तो ना वहाँ पे लेंसन भाग के आता है बोलते विंग घुटने में मत आओ। तो ना लविंग नहीं सुनता वो अपने घुटनों में आता है और उसको बो करता है मतलब बैठ के जैसे बो करता है ना वैसे। फिर ना विंग बोलते आप एम्परर हो मैं ऐसे नहीं कर सकता ना आपको ट्रीट। तो ना लेंसन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसे ट्रीट नहीं होना था लेकिन लेंसन ने ही ऐसे विंग को सिखाया था कि वो ऐसे ही उससे ट्रीट करेगा जब भी उससे मिलेगा उसे ग्रीट करेगा ऐसे ही करेगा और विंग भी ऐसा ही करता था और उसे ना मार नहीं खानी थी उसे बहुत टॉर्चर मिल रहा था बचपन से ऐसे उसे आदत थी नहीं। तो इसीलिए ना वो बहुत ही लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही अभी उसको रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने विंग के साथ ऐसा किया। तो ना विंग को ना पेट में दर्द होने लगता है और ना वो अपना मतलब पेट को पकड़ के ना थोड़ा सा
वो मतलब अनकंफर्टेबली मूव करता है, तो ना लैंसन तभी समझ जाता है कि विंग का मतलब दर्द हो रहा है, तो ना लैंसन उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, विंग जस्ट काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स डोंट। तो ना विंग बोलता है, नहीं एम्परर मुझे नहीं छूता रही है। फिर ना लैंसन बोलता है, शट अप, मैंने जो बोला है वो करो, मेरी बात सुनो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी शिट अबाउट इट, आई होप यू क्लियर। तो ना विंग चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तो ना विंग ना अपना मुंह मतलब अपना चेहरा दूसरी तरफ पे फिरा लेता है और बोलता है, एम्परर मुझे घर जाना है। तो ना लैंसन बोलता है, ओके घर जाना है, ओके चलो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा, तुम्हें जिंक से जाना है ना। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे जंग सेट जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो। तो ना लैंसन मान जाता है। तो ना विंग ना वहाँ से उठता है और थोड़ा धीरे धीरे चलता है क्योंकि इसके अबडोमन में अभी भी पेन हो रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, लैनी लर को बुलाओ। तो ना और सब लोग समझ जाते हैं कि विंग को दिखाने के लिए, तो ना विंग को दिखाने के लिए लैनी लर जाते हैं और लैनी लर बोलते हैं कि आपको मिनिमम 2 या 3 हफ्ते कोई भी ट्रैवल नहीं करना, वरना तबीयत ख़राब हो सकती है और बेबी के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट टाइम टू जर्नी। तो ना विंग समझ जाता है क्योंकि उसके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, शरीर उसका है, तो उससे पता चल गया कि हाँ ये सच बात है और ये उसे सुनना पड़ेगा, ही हैव टू लिसन टू हर बिकॉज ये उसी की बात है और इसकी बेबी की बात है। तो ना ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तो ना लैंसन हर रोज़ उसके साथ रहता, उसकी हर एक काम में मदद करने की कोशिश करता। तो ना विंग कुछ करने नहीं देता, वो खुद करता, वो अपना काम खुद करता, या फिर अपने दोस्त जो उसके साथ आए थे जियांग्स क्लैन से, उसके साथ जो बचपन से ही उसके मतलब सर्वेंट है लेकिन दोस्त बोल सकते हो क्योंकि उसकी फैमिली ही है, वो बेस्ट फ्रेंड्स है वो दोनों। तो ना बींग को मतलब कुछ भी नहीं करने देते, वो दोनों आके ना वो सब कर देते क्योंकि लैंसन ने बोला। पहले पहले लैंसन ने ट्राई किया था कि बींग की वो मदद करे, लेकिन बींग लैंसन की मदद नहीं लेता क्योंकि जब भी विंग लैंसन काम करके रख देता था तो विंग वो काम दोबारा करता था, तो इसलिए लैंसन को ये बहुत अच्छे से पता चल गया था कि अभी विंग वो उसका विंग उसका काम नहीं कर सकता, लैंसन उसका काम नहीं कर सकता, तो ना उसके फ्रेंड्स से ही उसको करवा देता था, तो विंग को आराम मिल जाता था। तो ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता। वी लैंसन ने बहुत कोशिश की, वी लैंसन बींग को मनाने की, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की, सॉरी तक बोला कान पकड़ के, और उसने बोला कि उसने मतलब उसे उसे कुछ भी सजा दे सकता है। तो ना वींग ने कुछ भी नहीं बोलता, वो ना एकदम चुप हो के ना अपना सर नीचे करके बैठा रहता था। तो ना लैंसन बोलता है, प्लीज़ वींग कुछ बोलो, डांटो, चिल्लाओ, मुझे मारो, करो जो करना है वो करो, लेकिन कुछ तो करो ना, प्लीज़ डोंट डू दैट टू मी, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे मर जाऊँगा भी, यू हैव टू लिसन टू मी, प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा बोल के ना लैंसन रोने लगता था भींग के सामने, अपने पैरों को मतलब घुटनों पे। तो ना भींग अपना सर दूसरी तरफ से मोड़ के ना वो भी रोता था क्योंकि उसे वो भी पसंद करने लगा था, वो भी प्यार करने लगा था वो लैंसन को, वो ऐसे पनिश नहीं करना चाहता था, लेकिन ये पनिशमेंट लैंसन को ज़रूरत थी क्योंकि लैंसन बहुत ही लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग ओवर चीज़ें कर देता है, और एक एम्परर के लिए ये सब करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये लैंसन को समझाने के लिए सब कर रहा था। तो 2 हफ्ते ऐसे बीत जाते हैं, लैंसन हर वक्त अपने घुटनों में भींग के साथ माफ़ी मांगता था और उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स चीज़ें खाने की चीज़ें जो भींग को पसंद थी वो ना जियांग चैन से जानता था, लेकिन जियांग चैन उससे बात नहीं करता था। तो ना
लंच हुई चैन जान के अपने छोटे भाई को बताते थे कि विंग को क्या क्या पसंद है या क्या ना पसंद है, ये सब अपने ओमेगा से जान के उसके भाई को बताते थे। तो ना चियांग चैन को पता था कि लंच हुई चैन क्यों जानना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भी बता देता था, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल के, मतलब वो नहीं माफ़ करना चाहता था लैंसन को, क्योंकि उसे लैंसन का भी पता था वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और वो उसे गलत फहमी हो गई थी और विंग को, इसलिए उसने इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। लेकिन उसको भी समझना चाहिए था कि विंग भी एक इंसान है, कोई कोई कठपुतली नहीं है जो ऐसे उसने ऐसा किया, तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली उसको, मतलब भिंको के लिए बुरा लग रहा था जियांग चैन को, जियांग चैन बहुत प्यार करता था विंग से। तो ऐसा ही टाइम स्किप होता है, दो तीन हफ्ते ऐसे बीत जाते हैं और लैंसन हर वक्त विंग को मनाने की कोशिश करता, हर वक्त सिंगल टाइम, फिर भी विंग नहीं मानता। तो ना लैंसन ना हार नहीं मानता, वो हर वक्त विंग के सामने घुटनों में बैठा रहता, उसके पपी आइज दिखाता, और पपी आइज जब भी दिखाता लैंसन, तभी ना विंग अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ देता और मुस्कुराता। और लैंसन को भी ये बात पता थी कि विंग मुस्कुरा रहा है, तो ना उसे भी अच्छा लग रहा था कि उसका ओमेगा भी मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे ही तीन हफ्ते बीत जाते, तो ना विंग ने तो ठान लिया था कि वो यनमक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उससे बहुत याद आ रही थी अपनी मॉम डैड यनमक की चीज़ों की, और अभी वहाँ पे उसका हर एक फरमाइश पूरा होता था। यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी कि लैन फैमिली फरमाइश पूरा नहीं करती थी, लेकिन यनमक जैसा बात नहीं होता था। हर एक क्लैन की अलग अलग खासियत होती है, जैसे यनमक की मतलब क्या बोलते हैं, झील, झरने और बहुत बड़े बड़े तालाब, वहाँ पे लोटस के फूल, पत्ते, बीज, बहुत सारे, एक मतलब अलग ही दुनिया का था वो उस जियांग क्लैन। हाँ, जियांग क्लैन छोटा था ज़रूर, लेकिन बहुत खूबसूरत था। लैंसन को भी बहुत पसंद था जियांग क्लैन, उसे जाना भी बहुत पसंद था, इसीलिए ना विंग सब कुछ पैक बुक करके वो चला उसके घर। उसने तो बोला कि हश, मैं अभी जियांग क्लैन जाऊँगा, मम्मा के हाथ का खाना खाऊँगा, मैं स्पाइसी फूड खाऊँगा। तो ना वहाँ पे लैंग चिरन आते हैं, बोलते विंग विभूषण, तो ना विंग मुँह बनाता है, बोलते ये बुढ़ा ये आप पे क्या कर रहा है, अभी मुझे लेक्चर देगा जो मुझे बिल्कुल नहीं सुनना, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन दिस लेक्चर, आई जस्ट वॉन्ट टू गो, ये बुढ़ा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ऐसा ना वो मन में बोल रहा था, वैसे वो सामने सामने तो नहीं बोल सकता ना, वरना उसे पनिशमेंट मिल जाएगी। एक बात उसकी मतलब सही है, क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुआ है उसे बिल्कुल भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर उसे उसके मनपसंद का खाना सब कुछ मिल रहा था, मतलब उसके तो मौज ही मौज है ऐसा लग रहा था। लेकिन उसे ना अपनी मॉम की ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं याद आ रहा था, तो इसीलिए वो वहाँ पे जाना चाहता था। तो नलायन कुरन अपने ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हमें पता है कि वांग जी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे हायर को लेके चले जाओ। तो ना विंग बोलता है मैं हायर को ले, फिर ना लैन कुरन बोलते हैं मेरी बात कंप्लीट होने दो। तो ना बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम तुम्हारे घर जाना चाहते हो, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्द से जल्द वापस आ जाना। तो ना विंग बोलता है तो आप तो नहीं चाहते थे मैं यहाँ पे आऊँ, आप जो तो हमेशा से जाते थे, कभी मैं आपके एक नेफ्यू का हस्बैंड भी ना बनूं, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन विंग के पास जाते, उसके मतलब माथे पे सर रखते हैं, बोलते तुम मेरी वांग जी की खुशी हो,
तुम्हारे आने के बाद मैंने मेरी वांगजी को खुश देखा है। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा वांगजी मुस्कुराता है। पता है मैंने कब उसे मुस्कुराते हुए देखा था? जब वो उसकी माँ के साथ होता था। फिर उसके 5 साल के होते ही उसकी मॉम उसके पापा मर चुके थे। तो मैं अपनी कहानी यह पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर न्यू हो तो मेरा एक फर्स्ट चैनल भी है, उसे भी विजिट कर सकते हो। अगर कम तो लैन कुरन ने बता रहे थे वीन को कि लैंसन कैसा है, और बोल रहे थे कि लैंसन को मैंने लास्ट टाइम उसकी मॉम के साथ हंसते हुए देखा था और आज देखा है जब वो 5 साल का था। तब से उसने उसकी चेहरे पे मैंने कभी हंसी नहीं देखी। तुमने सुना होगा कि उसे कोल्ड हार्टेड बीस्ट बोलते हैं सब लोग। नहीं, मेरा नेफ्यू ऐसा नहीं है। उसका दिल बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत नरम है। वो तुम्हारे साथ मुस्कुराता है भी। प्लीज़, मुझे पता है कि तुम अपने फैमिली को मिस कर रहे होगे। तुम जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी कोई फ्रीडम नहीं है, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं है। यू आर फ्री, हम कभी भी तुम्हें उस बंदिश में नहीं बांधेंगे। लेकिन एक बात तो ज़रूर सुनो हमारी, हम चाहते हैं कि तुम मेरे नेफ्यू के साथ रहो, क्योंकि मैं मेरे नेफ्यू को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसे दोबारा से उस अंधकार में नहीं जाने दे सकता। मेरा नेफ्यू कभी किसी से नहीं बोलता, कभी किसी से सॉरी, थैंक यू, ये सब वर्ड नहीं बोलता। ना वो कुछ बातों में अच्छा है, क्योंकि वो कुछ बात ही नहीं करता। वो सिर्फ जी हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल्स में नहीं है। मैंने हमेशा से मेरे वांगजी के वर्ड्स ऐसे सुने हैं। हाँ, वो शिजन से बात करता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे भी नहीं। लेकिन वो अभी देखो कैसे बात कर रहा है तुम्हारे बारे में, कैसे पागलों की तरह जान रहा है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें घूमना कैसे पसंद है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। देखो तो ना, वहाँ पे कुछ चार थे जो वहाँ पे तांग होलू कुकीज़ या फिर मखाने थे। तो ना लैन कुरन बोलते, देखो ये यहाँ पे मिलते नहीं हैं, स्पेशली लैंसन ने तुम्हारे लिए यूनमक से लाए हैं, क्योंकि तुम्हें यूनमक की चीज़ें पसंद है। वो तुम्हें क्यों नहीं रोक रहा है पता? क्योंकि तुम्हें यूनमक पसंद है और वो तुम उसके से दूर जा रहे हो, वो ये सहन नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें जाने दे रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरा नेफ्यू के बुरा है, तुम्हारे साथ बुरा किया। हाँ, मानता हूँ, मैं इससे कभी डिनाई नहीं करूँगा कि मेरे नेफ्यू ने तुम्हें चोट नहीं पहुँचाई है। हाँ, पहुँचाई है, ये मानता हूँ मैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। मुझे बनना है अभी मेरे नेफ्यू के लिए, मुझे बनना है मेरे नेफ्यू की खुशी के लिए, मुझे बनना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी योर सेल्फिश। मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। तो ना वो घुटने में आ जाते हैं, तो ना लैविंग ना झटपट घुटने पे आ जाता है और बोलते हैं, अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अब ऐसा मत कीजिए आप। तो ना बोलते प्लीज़ मेरे नेफ्यू। तो ना लविंग ना बोलता है कि उठिए प्लीज़। वो ना अपने आप वो भी घुटने में आ जाता है। तो ना वो फटाक से अपने पेट पे हाथ रखता है, बोलते आ। तो ना वहाँ पे कुरन ना घबरा जाता है और ना वो खड़ा होके विंग को ठीक से बैठा देते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं दूसरे टेबल पे। तो ना विंग थोड़ी देर अपने छोटे मोटे टमी, जब वो निकल आया है, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 2 महीना थोड़ा थोड़ा तो मोटापा उसको दिखेगा ही, क्योंकि वो खा रहा है बहुत, वो मोटा थोड़ा सा हो गया। तो ना वो अपना हाथ पेट पर रख के बोलता है, तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते क्या मैं हिलर को बुलाऊं? तो ना विंग बोलता है नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ना बोलते तुमने ऐसा क्यों किया विंग? तो ना विंग बोलता है, अंकल प्लीज़ अभी तो आप मुझे मत डांटिए, मुझे
तो ना वो ना चिल्ला के बोलते लैंड हीलर को बुलाओ। तो ना लैंड हीलर आते हैं और लैंड कुरियन बाहर नहीं जाते, वो यहीं पे रुकते हैं क्योंकि लैंसन घर में नहीं था, वो क्लाउड ड्रेसेस में नहीं था, वो नीचे गया, मतलब क्लाउड ड्रेसेस के सही टाउन गया था क्योंकि विंग के लिए कुछ चीज़ें लानी थी वो बाहर जाने के लिए। तो ना लैंस चीचन वहाँ पे थे, सॉरी लैंड कुरियन वहाँ पे थे और हीलर बोलते हैं कि इनकी तबीयत ऐसी ख़राब क्यों हो गई, मुझे नहीं पता क्यों क्या उनको टेंशन है, लेकिन इन्हें टेंशन फ्री रखना और मैं बोलूँगा कि आप ट्रैवल मत ही कीजिए वरना बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ना विंग बोलता है फिर ना लैंड कुरियन बोलता है आप जा सकते हो। तो ना विंग ना लैंड कुरियन की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है आपके नेफ्यू के साथ मैं रहूँगा लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो ना लैंड कुरियन बोलते क्या चाहिए, तो ना विंग बोलता है मैं कभी भी आपके लैंड क्लैन के रूल्स नहीं मानूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो ना लैंड कुरियन थोड़ा सा सोचते हैं और बोलते हैं तुम्हें बेसिक्स तो कुछ चीज़ें माननी ही होंगी जो रूल्स के खिलाफ होंगी, तो तुम जो छोटे मोटे रूल्स हैं उन्हें अनदेखा कर सकते हो लेकिन बड़े बड़े रूल्स तुम नहीं तोड़ोगे। तो ना विंग बोलता है वैसे भी मैं नहीं तोड़ूंगा तो ठीक है। तो ना दूसरी तरफ से विंग बोलता है मैं दूसरी भी एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे वो चाहिए। तो बोलता है क्या क्या, तो बोलता है मैं आपके नेफ्यू को बहुत तंग करूँगा, मैं उसे बहुत सज़ा दूँगा, मैं उसे बहुत तंग करूँगा, उसकी ज़िंदगी एकदम परेशानियों से भर दूँगा। तो बोलता है ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे नेफ्यू को वो बहुत अच्छा लगता है जब तुम उसे तंग करते हो। तो बोलते हैं तो फिर ठीक है लेकिन आप ऐसा आपके नेफ्यू को बता नहीं सकते, ये इसमें इंक्लूडेड है। तो लैंड कुरियन बोलते वैसे भी मैं इस बारे में बताने की कोई मूड में नहीं था लैंसन को। तो ना विंग बोलता है चलिए ना कुछ खेलते हैं ना। तो ना लैंड कुरियन बोलते मैं तुमने मेरी एज देखी है, अभी मेरी खेलने की उम्र है। तो ना विंग बोलता है हाँ आपकी खेलने की उम्र है। तो ना फिर बोलते चलिए लूडो खेलते हैं हम। तो बोलते नहीं चलो चेस खेलते हैं, इससे तुम्हारे ब्रेन को एक्सरसाइज होगा। तो ना विंग बोलता है अभी भी पढ़ाई, देखिए मैं भी प्रेग्नेंट हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, अभी मेरी पसंद का खेल खेलेंगे हम। तो ना लैंड कुरियन बोलता अच्छा ठीक है चलो। दोनों लूडो खेलने लगते। तो लैंड शिचन और लैंड कुरियन ना सॉरी लैंड शिचन और लैंसन मिल के बाहर गए थे और चियांग चेंग तो अपने बच्चे को संभालने के लिए थोड़ा सा अंदर, मतलब ऐसे ऐसे हुआ था क्योंकि विंग जाने वाला था तो इसीलिए ना उसे ही सब कुछ संभालना था। ऐसे भी विंग के हर एक चीज़ अभी जब से जियांग चेन आया था जियांग चेन ही संभाल रहा है, तो इसीलिए ना वो मतलब बिल्कुल भी क्या बोलते हैं ये सब नहीं चाहता था। तो सब कुछ काम करवा के जब जियांग चेन बेबी को गोद में लेके विंग के जाता है ना तो वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ हो रही थी। तो वहाँ पे शिचेन और लैंसन भी आते हैं बहुत सारी चीज़ें लेके और बातें करते करते सेक्स की कुछ बातें थी। तो ना वो चाहते थे लैंड शिचन भी चाहते थे कि विंग को जाते हुए वो भी देखे। तो ना वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ ना वो तीनों ही एक दूसरे को देखते हैं और बोलते क्या चल रहा है। तो ना वो जाते हैं जंक्शन में और देख के ना वो शॉक्ड हो गए थे, मतलब ये क्या कि ये क्या है, मतलब उसका अंकल और विंग लूडो खेल रहे थे और विंग चीटिंग कर रहा था और लैंड कुरियन उसे डांट रहे थे कि चीटिंग करना मना है, ये रूल्स में नहीं है। तो बोलते देखो आपने बोला था कि आप ये इसमें रूल्स नहीं डालोगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ना लैंड कुरियन बोलते तो भी मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी चीटिंग कर सकता हूँ। तो ना विंग बोलता आप भी करो, आपको जीतने के लिए अगर चीटिंग करनी है तो आप भी करो। तो ना वो तीनों ही ना मतलब एकदम डंबफाउंडेडली देख रहे थे कि ये चल क्या रहा है, उनका अंकल ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, विंग से लड़ रहा है कि वो चीटिंग कर रहा है, जस्ट उनके दिमाग में नहीं चल रहा था। तो ना वो लैंड कुरियन और लैंड विंग उसका मतलब क्या बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं यार मैं समझ नहीं पा रही थी, हाँ
उसके गेम को ख़त्म करते हो। तो ना विंग बहुत डायर था, तो ना लैंड शिचेन लैंड कोरियन बोलता है अभी आराम करो तुम थक गए होगे। तो ना विंग बोलता है अब फिर आपके पास जब भी वक्त होगा आप आओगे मेरे साथ खेलने के लिए। तो ना विंग ऐसे वपियाई दिखा के बोलता है। तो ना लैंड कोरियन बोलता है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो बोलते ये यू आर द बेस्ट अंकल इन द वर्ल्ड। तो ना बोलता है तो ना बींग बोलता है आपसे कुछ पूछना भी था मुझे। तो बोलता है क्या। फिर बोलता है आप कभी बाहर जाओगे। तो बोलता है कि क्यों। फिर ना फिर बींग बोलता है आप मेरे लिए ना वहाँ के क्या बोलते हैं क्रोसॉन लाना, वो मुझे खाने हैं, मुझे पेस्ट्रीज भी खानी है। सॉरी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मंगवा के दे दूँगा। तो बोलते थैंक यू ऐसा बोल के ना जब भी लैन कुरन जाने वाले थे तो ना वो मतलब देख के ही जस्ट उनका मतलब उनके नेफ्यूज़ को देख के उनका दिमाग का मतलब थोड़ा सा रुक जाता है। तो ना फिर भी कुछ नहीं बोलते वो क्या बोलते उसको एकदम उसको क्या बोलते यार स्वाभाविक को कैसे बोलते हैं हिंदी में मतलब कैजुअली इंग्लिश में बोलते हैं यार कैजुअली मतलब वो ना वैसे चले जाते हैं और बोलते हैं। और ना तो अपने नफीस को देखते भी नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि उनके नफ्यू ने उसको उनको खेलते हुए और झगड़ा करते हुए भी देख लिया। तो ना फिर जेंगशिन बोलता है ये क्या था। तो बोलते हैं क्या क्या था। तो बोलते हैं वो तुम नहीं जाने वाले। तो ना विंग बोलता है मुझे हिलर ने मना किया है मैं अभी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। तो बोलते तो फिर ना सब लोग बोलते कि हिलर क्यों आया था। तो ना विंग बोलता है मेरी टमी में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो अंकल ने बुलाया। फिर हिलर ने बोला कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता वरना बेबी को कुछ हो जाएगा तो इसलिए मैं नहीं जाने वाला। तो ना ये सुन के तो लैनसन के चेहरे पे एकदम चार चांद आ जाते। तो ना विंग चिल्ला के बोलता है हाँ तुम तो मेरी खुशियों से जलते हो ना अभी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो। मैं जाना चाहता था लेकिन तुम्हारे बच्चे की वजह से मैं नहीं जा पाया। तुम कितने बुरे हो लैनसन यू आर सो बैड ऐसा बोल को चिल्लाता है। तो ना वहाँ पे जेंगशन बोलता है विंग खुद को स्ट्रेस मत दो। तो ना विंग बोलता है नहीं दे रहा हूँ स्ट्रेस। तो बोलता है स्ट्रेस दे रहे हो तुम क्यों कर रहे हो सब। हाँ तुम खुद को भी स्ट्रेस दे रहे हो हमें भी स्ट्रेस दे रहे हो। तो ना वहाँ पे शिचेन जाके ना विंग को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। तो बोलते विंग बोलते ये क्यों। तो बोलते कि मुझे लगा था आप जाने वाले हो तब नहीं जाने वाले हो तो इस खुशी में और ज़्यादा लो। तो ना ऐसे बोल के ना वो और ज़्यादा दे देते हैं। तो ना विंग बोलता आप भी खुश हो आप मैं नहीं जाऊँगा। तो बोलता क्यों जाओ आप मैं क्यों खुश हूँ कि आप जाओगे तो मैं तो बहुत खुश हूँ आप नहीं जा रहे हो क्योंकि आप हमारे साथ रहने वाले हो तो हम कितनी सारी मस्ती कर सकते हैं। तो विंग बोलता है आप मुझे मस्ती करोगे मेरे साथ। देखो मैं ना यहाँ पे बहुत बोर हो जाता हूँ हर कोई सिर्फ अपने काम करता रहता है और मैं सिर्फ बेड पर लेटा रहता हूँ। चिंचा मुझे बीबी भी नहीं देता गोद में लेने के लिए। तो ना चिंचा बोलता है डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें। तो ना विंग मुँह बनाता है और बोलता है मैं बेड पर बैठ के उसके साथ खेल तो सकता हूँ ना सारा दिन। तो ना जिंचा बोलता है कि हाँ ये कर सकते हो। तो ना मिनी और जिनी को बोलता है कि मैं उसे यहाँ पे रख के जाऊँगा और देखना भी उसे गोद में ना ले सिर्फ ठीक है। तो ठीक है बेबी तुम्हारे साथ रहेगा सारा दिन। तो बोलते हैं ये थैंक यू ऐसा बोल के ना अपने भाई को हक कर लेता है। बोलता है उसका भाई भी उसे हक करके बोलता है हाँ मेरा बनी अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी हीलर ने क्या दवाई दी है। तो विंग बोलता है हाँ दवाई तो दी है लेकिन। तो बोलते क्या लेकिन क्या। तो ना विंग बोलता है विंग ये दवाई बहुत कड़वी है जो मुझे नहीं खानी। तो बोलता है या अभी तुम बच्चे नहीं हो विंग अभी तुम्हारे अंदर एक बच्चा है। तो बोलता है मेरी उम्र कितनी है। तो बोलता है 16-17 साल शायद। तो विंग बोलता है क्यों। तो ना शिव जी एंगचन हंसता है बोलता है 17 साल। तो बोलता है कि तुम अभी तो बच्चा ही हूँ ना आप कितने क्यों। तो बोलता है मैं
22 साल का हूँ, तो बोलता हूँ देखो अब 21 साल में शादी किया, 22 साल में अपने बच्चे हुए, और अभी तो मैं 17 साल का हूँ, तो मैं बच्चा हुआ ना, तो बोलता है अच्छा ठीक है ठीक है। तो बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी भी। तो बोलते हैं, तो बोलते हैं कि तुम्हारे से शिजी मिलने के लिए आ रही है, आने वाली है। तो बोलते हैं क्या सच में? ही ना उछल पड़ता है, तो वहाँ पे ना लाइन से उसे पकड़ लेता है, बोलते हैं कि भीन। तो बोलता है क्या? तो मैं बोलता है क्या? तो ना लहसन बोलता है यार तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। तो ना विंग बोलता है तो तुम्हें क्या? तो ना विंग बोलता है प्लीज़ ना बनी ऐसा मत करो। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हारा बनी नहीं हूँ। तो ना लहसन बोलता है क्योंकि तुम मेरे ही बनी हो, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो ना, और मेरा ओमेगा एकदम बनी की जरा बनी की तरह दिखता है। तो ना विंग ना मुंह बनाता है, बोलता है शट अप, तुम ज़्यादा बात मत करो। तो ना विंग बोलता है कि देखो हमें तुमसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो मुझे लैंसन, दूर हटो। तो ना लैंसन उसके पास आता है और बोलता है कुछ भी कहो कुछ भी करो, लेकिन मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना लैपिंग बोलता है तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, तुम बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हो। तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं भांग जी शांत हो जाओ। तो ना बोलता है नहीं कका। तो बोलता है मैंने बोला शांत हो जाओ। तो ना लैन शांत हो जाता है, और दूसरी तरफ से विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है ऐसा बोल के ना विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी शीजी की आने के लिए, क्योंकि उसकी शीजी बहुत अच्छी थी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके घर के सारे लोग ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सिर्फ लहसन नहीं, ज़िंदगी में पहली बार उसे उसके ऊपर हाथ उठाए थे, उसे डांटा था, उसे पनिश किया था, उसे सज़ा दी थी, उससे काम करवाए थे। मैडम यू भी बहुत प्यार करती थी अपने बच्चों से। तो ना मैडम यू भी आ जाती है, और जब उन्हें पता चला कि ये अजय जेंग चैन बच्चे के साथ आया है और विंग प्रेग्नेंट है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें। जब मैडम यू जेंग चैन को दिखती है तो रो के उसके गले लगा के बोलती है तुम कहाँ चले गए थे। तो ना लैंसन लैन शिचन और जेंग चैन सब लोगों को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो ना मतलब लैंसन ने बोला है कि वो उस उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जिन लोगों ने ये सब किया है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, और इसमें जीन क्लैन के मैंग्याओ का हाथ था, और मैंग्याओ क्योंकि मैंग्याओ शिचेन को प्यार करते थे, इसीलिए इस तरह की चीज़ें उसने परफॉर्म की थी। तो ना लैन शिचेन ने मतलब गुस्से में आके बोला कि इससे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस मतलब जब लैन शिचेन गायब हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मतलब जियांग चैन प्रेग्नेंट है, और उसके बच्चे और जियांग चैन के ऊपर खतरा है, इसीलिए लैन शिचेन पहले गायब हो गए थे, और वो दूर दूर से ही जियांग चैन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो जब उन्हें एक सही मौका मिला तो वो जियांग चैन को साथ लेके वहाँ से चले गए थे, क्योंकि अभी रोकना पॉसिबल नहीं था मैंग्याओ को, उन्हें इनका तोड़ जानना था और उनके उनके बच्चा और उसकी वाइफ को भी सेफ करना था। तो इसीलिए लैन शिचेन ने ये चीज़ें परफॉर्म की थी। तो ना फिर मैडम यू जो विंग को देखती है ना, तो भाग के मैडम यू विंग के पास जाती है और रोने लगती है, और बोलती है मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे को क्या हुआ है, ऐसा बोल के ना वो फोरहेड पे चीक्स पे किस करने लगते, सॉफ्ट सॉफ्ट से किस, और बोलते हैं कि हाँ मेरा बनी मेरा अश्विन ऐसे कैसे पतला हो गया, और मैंने सुना मेरा अश्विन प्रेग्नेंट है, मेरा बच्चा मेरे बच्चे के अंदर एक और बच्चा है। तो नवीन बना के बोलता है
हाँ माँ, आपको पता है मुझे कितना अजीब लग रहा है। सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे। सब लोग ना मुझे स्पाइसी फूड भी खाने नहीं देते, मुझे दांग मीठी चीज़ भी खाने नहीं देते। तो ना जियांग से ना बोलते, तुम कितनी झूठ बोल रहे हो अशिन। ऐसे झूठ बोलना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जब से तुम प्रेग्नेंट हुए हो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। तुम जो बोल रहे हो, मुंह खोलने की देर है। अंकल और वांग जी तुम्हारे लिए लाते हैं। तो ना मैडम योग के आगे बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते क्या। फिर ना जंगचन बोलता है, हाँ आपको पता है रात के 2 बजे से पेस्ट्रीज खानी थी, लेकिन वांग जी नहीं, मतलब लैंसन नहीं जा पाएगा, इसलिए अंकल जाके इसके लिए पेस्ट्रीज लाए। तो बोलता है, तो क्या हुआ मतलब वो कैसे, मतलब हाँ तो क्या हुआ। तो ना मैडम यूँ बोलते हैं कि बेटा बेटा मैं तुम पे प्राउड हूँ। तो ना वह बोलता है, श्री जैन चैन बोलता है, क्यों मॉम। तो बोलता है, क्योंकि तुम्हारे इस अंकल को इस अंकल ने हमें बहुत तंग किया है। रूल्स रेगुलेशन, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ अभी देखो, अभी ग्रैंड फादर बनने वाले हैं, इसलिए अपने ग्रैंड चाइल्ड को जो चाहिए वो दे रहे। कितने ज़्यादा मतलब दोगले इंसान है ये। वो ना मतलब मास्टर लैंड कुरैन को ताना दे रहे थे। तो ना लैंड कुरैन बोलते, तो क्या हुआ। तो बोलते, हाँ जब हम यहाँ पे स्टडी करने आए थे और हम बाहर जाके कुछ खाते पीते या फिर कुछ करते, तुम बोलते हो कि तुम लोग ये सब क्यों कर रही हो, रूल्स के खिलाफ है। अभी तो तुम्हारे क्लाउड रसेस में, तुम्हारे घर के अंदर ही ये सब हो रहा है। तो अब क्या करोगे तुम, अब क्यों नहीं बोल रहे हो कि रूल और रेगुलेशंस के खिलाफ है। हाँ सब तब हमारे लिए ही रूल रेगुलेशंस थे, तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड्स के लिए कुछ भी नहीं। तो ना लैन कुरन बोलते, हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा बोल के ना वो मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हाँ उन्होंने ये किया था। और मैडम लैन इसका पूरा पूरा बदला ले रही थी। और मैडम जियांग मतलब मैडम यू पूरा पूरा बदला ले रही थी और बातें सुना रही थी। और लैन कुरन सुन भी रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनके दो नेफियो लैन शिचेन और लैनसन मतलब अपनी आंखें फोड़ फोड़ के देख रहे थे। लैनसन देख रहा था उसकी सास उसके अंकल को ऐसे ताना दे रही है, और लैन शिचेन भी अपनी सास को देख रहे थे, वो अंकल को ताना दे रही है। तो वो दोनों ही ना अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बोल रहे थे कि यार ये क्या हुआ। तो ना लैन विंग बोलता, मुझे टांग होलो चाहिए। तो बोलता है बिलाइजन बोलता है, हाँ ऐसे वो बाहर निकल के मतलब कुछ ही देता। तो ना वो बोलता है, नहीं मुझे ये तांग होलो नहीं, मुझे क्यूवी वाले तांग होलो चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है, वो तो ख़त्म हो गया। तो ना लैंस बींग बोलता है, मुझे वो ही खाना है। तो ना वो जिद पे हार गया था। तो ना लैंसन एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि यही था, जब भी कोई तांग होलो कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो विंग वो ही खाने का जिद करता था। विंग का ना बट टेस्ट बहुत ज़्यादा ही चेंज होता था। एक पहले तो स्ट्रॉबेरीज खाता था ज़्यादा, फिर मैंगो पे चला जाता, मैंगो खाने के बाद बनाना पे, बहुत सारी फ्रूट्स के अलग अलग वेराइटीज़ में उसका टेस्ट बट चेंज होता रहता। और विंग जब भी उसे खाना मतलब बोल रहा था ना, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो जाता था लैंसन का, क्योंकि लैंसन समझ नहीं पाता था कि उसे मतलब करे तो करे क्या, ये आदमी क्यों इतना ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। ऐसा ही था। तो ना लैंसन ना फिर विंग के पास जाता है और बोलता है, ठीक है तुम्हें और कुछ चाहिए। तो ना विंग बोलता है, हाँ मुझे ना स्पाइसी बंस चाहिए थे, जिस पे चिकन सॉसेज, चिकन कीमा था होता है, और पनीर का भी। तो विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है, तो ना फिर लैनी मतलब मैडम
यू बोलती है, हाँ यहाँ पे चिकन भी खा रहे हैं। फिर नलन कुरन बोलते हैं, अभी छोड़ दो मुझे, और कितनी तुम मेरी सास नहीं हो जो तुम मुझे ऐसे ताना सुना रही हो। तो ना फिर ना लहसन ना बोलता है कि अंकल मैं जा रहा हूँ। तो बोलते हैं, तो ना मैडम ये बोलते जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है। तो ना बाहर निकाल के देती है। तो ना वीम बहुत खुश हो जाता है, और वो यनमक की चीज़ें देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और बोलता है कि वाह मुझे कितने दिनों से खानी थी। वो ना खाने लगता है, तो वो खाता है एक दो बाइट, और मतलब बहुत अच्छे से लेता है। फिर ना वो मुँह पकड़ के थोड़ा मतलब मुँह पोंछ के बैठ जाता है। तो सब लोग बातें कर रहे थे, तो 2 मिनट हुए थे उसने खाना खाया था, मतलब बंस खाए थे, तो वो खाना खाया था। तो तभी नवीन अपना मुंह पकड़ के बाहर की तरफ भाग जाता है। तो ना मैडम यू और यानली और जेंगचेन उसके पीछे जाते हैं और उसे कंसोल करने लगते हैं। तो ना सब लोग उसके पीछे जाते हैं। तो नवीन बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा था, वो अभी जो खाया था जो पहले खाया था वो भी बहुत सब वॉमिट कर देता है। तो नवीन को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा डिजी फील हो रहा था, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो करे तो करे क्या। उसका मतलब सर पूरा का पूरा घूम रहा था, वो ना कुछ कह पा रहा था ना सह पा रहा था। इसीलिए नवीन मतलब वो थोड़ा सा खड़ा होता है, उसका वॉमिटिंग रुकता है। तो तभी ना विंग बेहोश होके ना गिरने ही वाला था, तो ना लैंसन उसे पकड़ लेता है। तो ना लैंसन बोलता है हिलस्ट को बुलाओ। तो ना हिलस्ट बहुत जल्दी जल्दी आता है। जियांग्स फैमिली, लैन फैमिली पूरी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग को कुछ हो जाए या फिर अनबॉर्न बेबी को कुछ हो जाए। तो लैन कुरान बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। तो ना मैडम यू बोलती है डोंट वरी, ऐसे प्रेगनेंसी में होता है, और वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है ना, इसके लिए और ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक हो जाएगा, अशन ठीक हो जाएगा। तो लैन कुरान बोलता है क्या सच में? तो ना लैन मतलब मैडम यू बोलती है हम। तो ना वहाँ पे लैंसन तो पूरा का पूरा पागल हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो करे क्या, उसका बच्चा उसका वाइफ सब डेंजर में। तो वहाँ पे हिलेस बाहर आते हैं और बोलता है कि ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल तो बात है, लेकिन इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा आपके सेंट की। आपको मैं बोलूँगा कि आप जितने दिन तक ये डिलीवरी ना दे दे तब तक आप उनके साथ ही रहिए, क्योंकि आपकी सेंट इन्हें हील करेगी, इन्हें स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करेगी। जब जब आप इनके साथ रहेंगे तब तक वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी शायद। तो ना लैंसन बोलता है शायद। तो ना विंग थोड़ा थोड़ा आँखें खोलता है, और ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहा था, और बोल रहा था विंग ना आँखें खोल के देखता है और बोलता है क्या हुआ। तो ना लैंसन बोलते कुछ नहीं मेरा बारबी डॉल। तो ना विंग बोलते ऐसा मत बोला क्या, वैसे ऐसा ना बहुत ही ज़्यादा लो साउंड कर रहा था। तो ना लैंसन को बहुत बुरा लगता है, उसका इतना खूबसूरत बनी जो उछलता कूदता रहता है, अभी वो कितना ज़्यादा ही कमज़ोर है, और वो कितना ज़्यादा मतलब खुद को वीक फील कर रहा है। तो ना लैंसन विंग के पास जाता है, विंग को अपनी बाहों में लेता है। तो ना सब लोग ना विंग से पूछते हैं बीबी अभी ठीक हो तुम? तो ना विंग अपना सिर हाथ में लाता है, बोलते हैं माँ मुझे बहुत भूख लगा है। तो ना यानली उसे सूप देती है, बोलती ये पियो, तुम स्ट्रॉन्ग कुछ मतलब हार्ड कुछ चीज़ें नहीं खा सकते अभी, वरना तुम्हें दोबारा से वॉमिट हो जाएगा, अभी ना तुम ये पियो। तो ना वो पीता है, तो सब लोग ना उन दोनों को अकेला छोड़ देते, क्योंकि एक ओमेगा को एक कंफर्ट लेवल की ज़रूरत होती है जो अल्फा दे सकते हैं, और सबके सामने तो ये ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसलिए सब लोग उन लोगों को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं।
तो ना जब सब लोग बाहर जाते हैं ना, विंग को लैंजन फिर बहुत अच्छे से अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, क्या हुआ, प्लीज़ पुनी मुझे परेशान करो, मुझे काम दो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ऐसे मत रहो, ऐसे दिख के तुम्हें मुझे दर्द लगता है, मुझे दर्द होता है, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम मुझे परेशान करते हुए, मुझे मुझ पर गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, बनी प्लीज़ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ बनी डोंट डू दैट, आई लव माय बनी। तो ना विंग बोलता, नहीं छोड़ो मुझे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ इस बच्चे के लिए। तो ना लैंजन उसके चीक्स पे और लिप्स पे किस करके बोलता है, ऐसा नहीं है बनी, प्लीज़ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम किसी और से प्यार करते हो शायद, तुम मुझसे नहीं करते, तुमने मुझे बहुत तंग किया था, तंग किया मुझे सजा दी, अब इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी को कैरी कर रहा हूँ ना, तो कोई बात नहीं, तुम अपना बेबी रख लेना, और मैं तो वैसे ही भी, मेरी बॉडी इतनी वीक है, मुझे नहीं पता कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं, शायद मैं मर जाऊँगा, और तुम अपनी बेबी के साथ अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसके साथ खुश रहना, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो ना लैंजन ने उसे अपने बाहों में और टाइटली हग करके बोलते, नहीं बनी प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझे माफ़ कर दो ना मेरा बनी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर अभी सांस भी नहीं ले पाता, तुम मुझे ऐसे तंग करते हो, मुझे बोलते हो, तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है बनी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मुझे मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करता, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, और मैं इस पूरे चीज़ों का बोझ लेके नहीं रह पा रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम बोल रहे हो मैं किसी और से शादी कर लूँगा, लैंस एक बार शादी करते हैं, प्यार भी उन्हें एक बार होता है, और उनका लाइफ पार्टनर भी एक ही होता है, और मेरा ये सब कुछ हो गया, मेरा लाइफ पार्टनर तुम हो, मेरी शादी भी तुमसे ही हो गई है, और प्यार भी मुझे तुमसे ही हुआ है। तुम्हें पता है लैंस की एक आदत है, वो कभी भी अपने पहले प्यार को भूल नहीं सकते, वो चाहकर भी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकते, क्योंकि वो जगह किसी और के ने पहले ही ले ली, उनके पहले प्यार ने ही ले ली, और लेंस दोबारा कभी प्यार नहीं कर पाते, लेंस को एक बार ही प्यार होता है, और शादी भी एक बार, और मुझे प्यार हो गया है, शादी भी हो गई है, और मैं जिससे प्यार करता हूँ मैंने उससे ही शादी की है, तो मैं कभी किसी को अपने पास आने नहीं दूँगा, और मेरा बनी भी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो ना विंग ना उसका मतलब वो ना विलेंजन के नेक पे अपना सर मतलब मुंह छुपा लेता है, और वो रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था, वो एक मतलब सोच नहीं पा रहा था, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका मतलब सर घूम रहा था, उसे इतनी अजीब अजीब और बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि लैंजन किसी और का हो गया है, ऐसे ही सब कुछ हो गया था। यार गाइस मुझे एलर्जी हो गई है, तो इसके ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, मैं बंदरों की तरह अपनी बॉडी को खुचा रही हूँ, सॉरी। तो ना लैंजन ना बोलता है कि बनी, फिर बोलता है मैं बनी नहीं हूँ, तो ना बोलता है तुम बनी हो, तुम मेरा बनी हो, और मैं मेरे बनी से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई बनी। तो ना बोलता है चुप रहो, तुम ऐसे बात करते हो तो मुझे अजीब लगता है, अगर तुम डांटते हो तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अभी तुम ऐसे बात कर रहे हो ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट लाइक इट। तो बोलता है यार भलाई का तो समझ जमाना ही नहीं रहा। तो बोलता है यार विंग बोलता है ज़माना, तो बोलता है हाँ ज़माना जमाना, फिर बोलता है ज़माना, तो बोलता है हाँ ज़माना,
तो ना बींग हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें आता है? तो बोलता है हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा वाइफ ही मुझे करेक्ट करे, आई जस्ट वॉन्ट माई बनी टू करेक्ट मी। तो बोलता है तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम अभी मुझे तंग कर रहे हो, मैं इतना भी अच्छी नहीं है। तो बोलते मुझे पता है, सॉरी इसमें डर गई, सॉरी। तो ना बोलता मुझे पता है मेरा बनी अच्छा नहीं फील कर रहा, मेरा वाइफ भी आए अच्छा फील नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बनी का, मेरे वाइफी का गुस्सा वाला चेहरा बहुत ज़्यादा क्यूट है और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ही तो मैं कर रहा हूँ ना। तो बोलते तुम कितने भुले हो। तो बोलते भुले नहीं बुरे। तो बोलते हाँ भुले। तो बोलते बुरे नहीं बुरे। तो वो तो मैं तो वो ही बोल रहा हूँ बुरे। बोलते हम नेवर माइंड, अभी मैं तुम्हें ठीक करने जाऊँगा तो मैं खुद भूल जाऊँगा। तो नवीन हंसने लगता है। तो नवीन बोलता है मुझे ना अभी थोड़ा सा मतलब फ्रेश एयर चाहिए, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो बोलते पता है मेरा बनी को, चलो मेरा वाइफी को मैं हमारे गार्डन में लेके जाता हूँ। तो ना जिंशी से बाहर जाता है, और जिंशी के बाहर एक बहुत खूबसूरत गार्डन था क्योंकि लैंसन को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, मतलब वांगजी को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, और वो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ही नेचर को पसंद करता था। उसकी जिंशी को वो ज़्यादा ही चीज़ों से सजाता नहीं था, लेकिन जो प्रकृति था मतलब नेचर, उस नेचर से ही उसने अपनी जिंशी को बहुत खूबसूरती से सजाया था और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। किसी की एम्प्रायर की ऐसी चॉइस नहीं होती थी, सिंपल और इतना ज़्यादा खूबसूरत, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा ही मतलब क्वालिटीज थी, हर्ब्स थे, तो बहुत ज़्यादा ही एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता था। तो ना बींग को ये जिंशी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि बींग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुले में रहने वाला था, उसे कभी भी किसी ने बंद करके नहीं रखा, यहाँ तक कि मैडम यू ने कभी भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे, उसे ऐसा नहीं बोला था तो कि तुम ओमेगा हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी एक बेटी थी जो एक अल्फा थी जो जंग सेट को संभालेगी, और वो लैंस जेंग चेन एक ओमेगा था, फिर बींग भी एक ओमेगा हो गया। तो ना वो मतलब ऐसा नहीं था, वो ऐसी लेडी नहीं थी कि ओमेगा हो तो रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा, तुम्हें बंदी बन के रहना पड़ेगा। वो बहुत खुले मिजाज की थी, जैसे वो रहती थी वो भी अपने बच्चों को वैसे ही रखती थी, क्योंकि उन्हें ना कभी भी लिटरली कभी भी ना ऐसा नहीं था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें करना है तुम कुछ भी कर सकते हो। उनके बेटे या बेटी को वो कभी भेदभाव नहीं करती थी, जियांग फैमिली भी ऐसा ही करते थे। तो ना बींग बहुत खुले मिजाज वाला था, तो बींग को बहुत अच्छा लगता। उसके यूनमक में भी बहुत सारे लोटस के पॉन्ड थे, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत लोटस के फूल बहुत पसंद थे, क्योंकि उसे पिंक ब्लू और वाइट और मतलब लोटस बहुत पसंद थे। मुझे भी ब्लू वाला बहुत पसंद है, मेरे पास है भी एक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट। तो ना विंग को भी अच्छा लगते थे। तो ना विलेंजन ने विंग के लिए एक लोटस पॉन्ड भी क्या बोलते हैं जिंशी के बाहर बनाया था, और यहाँ पे बहुत मुश्किल से लोटस उगाया जाता था, क्योंकि क्लाउड ड्रेसेस एक बहुत ठंडी जगह थी, वहाँ पे लोटस उगाना इतना आसान नहीं था, लेकिन लैंसन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विंग के लिए बनाया था, क्योंकि लैंसन को पता चला था विंग को लोटस बहुत पसंद है, वो मतलब उसका लव लोटस के लिए उसने देखा था, तो इसीलिए ना उसने बनाया था। तो उसी लोटस पॉन्ड के सामने ही एक बैठने की जगह बनाई थी, तो वहाँ पे विंग को लेके बैठता है। तो ना विंग बोलता है मुझे ना वो लोटस का फूल चाहिए, वो फूल चाहिए मुझे लोटस का। तो ना लैंसन एक दासी को इशारा करता है, तो वो दासी एक बेटा थी
तो वो दासी जाके वहाँ से वो तोड़ के विंग के पास, मतलब उसके एम्प्रेयर के पास, लैंसन के पास लाती है, लैंसन को देती है। तो विंग को वो लैंसन देता है, बोलता है लो। तो ना विंग उसे लेके खेलने लगता है। तो ना लैंसन बोलता है अभी ठीक लग रहा है ना। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो लैंसन बोलते कुछ पी लो ना बेबी वाइफी, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ना विंग बोलता नहीं पीना। तो वहाँ पे मैडम लैन और क्या बोलते यानली आती है और बोलते विंग। तो ना बोलता है शीजे, तो बोलते है मेरा बनी कैसा है, मेरा आशियन कैसा है। तो बोलते आपका आशियन बिल्कुल सही नहीं है। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, मेरे आशियन को तकलीफ हो रही है। तो वो ऐसे करके पूरा हेड पे किस करती है और बोलते हैं रुको। तो ना उसका फेवरेट लोटस बॉक्स सूप बनाती है और उसे पिलाने लगती है। और उसने ना बिल्कुल भी बहुत कम स्पाइसेस यूज़ किए थे, इसीलिए ना विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। और वो खाता है तो ना वो लिक्विड ही था ना, इसीलिए ना विंग खा पा रहा था, वरना ना वो सारी चीज़ें वॉमिट कर देता था अगर वो कोई भी सॉलिड फूड खाता था। लेकिन यार दिल है कि मानता नहीं, सॉलिड फूड का मतलब तांग होलू बंस ऐसा खाना उसे मन कर जाता था। हर किसी को करता है, जैसे मुझे अभी बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है गाइस, चिकन बिरयानी। अब बोलना मत ये कि जो अब लोग मतलब एनिमल्स को बचाओ, यार हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे जैसे चिकन बहुत पसंद है, मुझे फिश भी बहुत पसंद है, आई लव ऑल्सो फिश, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बिरयानी पसंद है, सॉरी। तो ना विंग खाता है, तो ना विंग के साथ वो दोनों बातें करने लगते हैं। और विंग ना अभी तक लैंसन के चेस्ट पे ही था। तो वहाँ पे ना लैन कुरन आते हैं, बोलते हैं कि अभी कैसा लग रहा है। तो विंग बोलता है अभी अच्छा लग रहा है। तो बोलता है कि ओके, लेकिन तुम्हें ना थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। तो बोलते हैं मैं रखूँगा। तो बोलता है अंकल, फिर बोलता है क्या है। तो बोलता है कि आप मेरे साथ खेलोगे। तो बोलते हैं अभी नहीं, अभी तुम आराम करो, हम तुम जब सोके उठ जाओगे फिर हम लोग सारा दिन खेलेंगे, क्योंकि अभी मैंने रिटायर्ड ले लिया है, अभी मेरे पास वक्त ही वक्त है और मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा, ठीक है। तो बोलते हैं विंग प्रॉमिस, फिर बोलते हैं हाफ प्रॉमिस, ऐसा बोल के ना विंग लैंसन की चेस्ट पे ही सो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत भारी हो रही थी, उसे सोना था। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोल के रखा था। तो ना जब विंग सो जाता है और लैन कुरन बोलते हैं कि वांग जी अपने उसके साथ ही रहो, शिचन सब संभाल लेगा और शिचन की अब हेल्प जिंचा कर देगा। तो जिंचा भी बोलता है हाँ मैं उसकी उनकी हेल्प कर दूंगा, तुम उनके साथ रहो। तो ना लैन कुरन भी बोलते हैं मुझे टाइम मिलेगा विंग के साथ खेल के, फिर मैं भी शिचन की हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ऐसा बोल के लैन कुरन समझा देते हैं सबको और कुछ दिनों के लिए पूरा भार शिचेन के हाथों पे दे दिया जाता है, क्योंकि लैंसन को अभी विंग के साथ रहना बहुत ज़रूरी था। तो ये सब लोग समझ रहे थे और सारे एल्डर्स ने ही बोला था ये। तो ना लैन शिचेन सब कुछ संभालते हैं। तो विंग ना लैंसन को बोलते हैं लैंसन, फिर बोलते हैं लैंसन बोलते क्या है, मेरा वाइफी को क्या चाहिए। तो ना विंग बोलते मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ पूछना है। तो बोलता है क्या पूछना है। तो ना विंग बोलता है बेबीज इतनी ज़्यादा टाइनी टाइनी क्यों होते हैं। तो ना वो ना बेबी के साथ खेल रहा था, जिंजा के बेबी के साथ। तो ना विंग लैंसन बोलता है क्योंकि वो बेबीज है इसीलिए। तो बोलते हाँ इसीलिए होगा शायद। तो ना विंग लैंसन अपने मन में सोचता है मेरा मेरा वाइफी कितना ज़्यादा डम है, उसे जो समझा वो ऐसे ही समझ जाता है, लेकिन जब गुस्सा होता है तो मेरी बहन बचा देता है। तो ना बेबी और विंग बहुत खेलते हैं। तो ना बेबी भी सो जाता है, विंग भी सो जाता है। तो ना लैंसन देखता है कि उसका बनी सो गया है। तो ना बोलता है आई लव यू वाइफी, मैं तुम्हें कभी भी ज़्यादा ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता, ठीक हो जाओ ना। तो मैं अपनी कहानी, विंग और बेबी सो गए थे। तो ना विंग बेबी को अपने चेस्ट पे ही सुला दिया था और वो भी सो गया था। तो
तो ना विंग को ठीक से लटा के लैंसन ने विंग बच्चे को उसके पास सुला दिया था। और वो इमेजिन कर रहा था कि वो उसका बेबी और उसका वाइफ ऐसे ही सो रहे, तो कितना सीन में वो मंजर होगा जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, वो कितना खुश होगा ना, उसका एक अंश इस दुनिया में आएगा। दैट इज़ रियली समथिंग स्पेशल, रियली स्पेशल। कभी कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता, जो इसके मतलब इस दौर से जाता है वही समझ सकता है। मैं और आप नहीं समझ सकते, अगर आपका बेबी हुआ है तो आप समझ सकते हो। मेरा बेबी, मैं खुद ही बेबी हूँ, मेरे को कोई बड़ा इंसान संभालने के लिए लगता है। मैं अगर बच्चा संभालने लगूँ तो भाई साहब बच्चे की हालत ही ख़राब, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत डम हूँ गाइस, सॉरी। तो ना तियांग सॉरी विंग और बेबी खुश हो जाते हैं। फिर ना वापस जियांग चैन आता है और कुछ देर बाद वो बेबी को खिलाने के लिए आया था, लेकिन बेबी अभी बहुत ही बड़ा हो गया था, मतलब 10-12 साल, 10-12 महीने का। तो वो उसे मतलब बाहर का दूध थोड़ा थोड़ा पे पिला सकते हैं, तो ना इसीलिए उसे बाहर का दूध पिला के त्यांग मतलब विंग ने सुला दिया था विंग ने। फिर ना वहाँ पे जियांग चैन आके बोलते ये दोनों सो गए, तो ना लैंसन बोलते हैं हम, तो ना जियांग चैन बोलते हैं विंग को क्या मतलब कोई प्रॉब्लम हुई दोबारा, तो लैंसन बोलते हैं नहीं दोबारा तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई और आई होप सो नहीं होगी ऑल्सो। तो बोलते हैं हम उससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम उसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखोगे तो। तो विंग लैंसन बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट, तो बोलते हैं मुझे पता है तुम बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपने लाइफ को उसके अराउंड ही रखो अभी के लिए कुछ दिन, आई बेग यू। तो ना बोलते शाहू जी ऐसा मत बोलिए, मैं उसे बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं मेरे बाबे को बहुत अच्छे से रखूँगा, आई लव हर और मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, दोबारा उसे कभी चोट पहुँचने नहीं दूँगा, आई एम सॉरी फॉर माई प्रीवियस बिहेवियर। तो बोलते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, अगर मैं शायद मेरा आशन उस तुम्हारी जगह होता तो वो भी सेम ही काम करता, तो इसीलिए वो तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देगा, सिर्फ उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो ना विंग बोलता है मुझे लैंसन बोलता है हाँ मुझे पता है विंग बहुत अच्छा है, वो मुझे माफ़ कर देगा। तो ना जेंशन बोलता है मैं बेबी को लेके जाता हूँ उसका ध्यान रखना, तो उसे लेके चला जाता है बेबी को लेके। तो ना 2 घंटे के बाद विंग उठता है और वो देखते हैं बेबी उसके पास नहीं, तो मुंह फुला लेता है, बोलते बेबी कहाँ पे है, तो बोलते शाहू जी आके उन्हें लेके गया है, वो उनका बेबी है वो बनी। तो बोलते शट अप मैं बनी नहीं हूँ, तो बोलते तुम मेरे बनी हो, तुम्हारे पास बहुत सारे बनी है ना, लेकिन मेरे पास तो मेरा एक ही बनी है वो हो तुम, ऐसा बोल के लैंसन थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता विंग बोलता नहीं मैं बेबी मतलब मैं बनी नहीं हूँ, तुम हो मेरा बच्चा। तो बोलता मैं बच्चा भी नहीं हूँ, तो बोलता हाँ मुझे पता है तुम मेरे बच्चे का मामा हो, तो बोलते हाँ मैं आपके बेबी का मामा हूँ। तो ना विंग ना थोड़ा सा उठता है और बोलता है तुम्हें कुछ का पीना है, तो विंग बोलता मैं क्या पीऊँ मुझे क्या पीना चाहिए, तो बोलता है तुम्हें जो पीना चाहिए तुम्हें पीने का मन करे। तो बोलता है मुझे ना शिकंजी पीना है, तो विंग लैंसन बोलता है तुम शिकंजी के बगैर शिकंजी के जगह तुम मैंगो मिल्क शेक पी सकते हो, तो विंग बोलता है क्या सच में, तो बोलता है हाँ पीना है, तो बोलते फिर ना विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पीना है, क्या आप कहाँ पे है, तो ना लैंसन उसे मिल्क शेक देता है, तो ना विंग पी लेता है। तो ऐसे ही थोड़ी देर बैठने के बाद ना वो बोर होता है और बोलता है कि जंक फूड। फिर ना लैंसन बोलता है तो बोलता है अंकल को बुलाओ ना अंकल के साथ खेलते हैं, तो ना लैंसन बोलता है नहीं तुम अंकल के साथ खेलने के बजाय लड़ते हो,
दोनों विंग बोलते हैं, हुई तो मजा है लड़ लड़ के, तो मैं मजा करता हूँ, वरना खेलते रहो बोरिंग लगता है। तो ना विंग लैंडन बोलते हैं, तो इसीलिए तुम जानबूझ के चीटिंग करते हो कि जो शिव तुम्हारे साथ झगड़ा करे। तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि बता उनके साथ झगड़ा करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वो ना जब वो गुस्से में हो जाते हैं, वो उनका नाक लाल लाल हो जाता है, और वो कुछ कर भी नहीं पाते, मुझे पनिश भी नहीं कर पाते। वो उनका चेहरा वो देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव इट, मुझे उनका वो चेहरा देखना इतना 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 ज़्यादा पसंद है ना। आप अगर एक बार उनको गुस्सा दिला के ऐसे देखोगे, वो एकदम लाचार है, एकदम कुछ बोल नहीं पा रहे, आपको सजा नहीं दे पा रहे, तो उसका मजा ही कुछ और है। दैट इज रियली समथिंग है, मतलब वो दुनिया का बेस्ट फीलिंग है। तो ना लैंसन बोलते हैं, वाह तुमने तो अपनी ज़िंदगी का एम बना लिया है जांगफू को परेशान करना। तो ना विंग बोलता है, देखो अगर हम झगड़ा नहीं करेंगे तो डस्टबिन बन जाएंगे हम। मुझे डस्टबिन तो बिल्कुल नहीं बनना, आई रियली डोंट वांट इट, लेकिन क्या करें, बॉडी भी तो नहीं देती झगड़ा करने के लिए। तो वहाँ पे ना चिचना हो जाता है मुझे। तो ना सब लोग थोड़ा सा मतलब ठीक होके बैठते हैं। तो ना लैंडबिन बोलता है, आप एकदम सही वक्त पे आए हो, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। तो ना जांगफू बोलते हैं, मतलब कुरन बोलते हैं, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। तो विंग बोलता है, क्यों क्यों नहीं खेलना है मेरे साथ? तो बोलते तुम चीटिंग करते हो। तो बोलते देखिए मैंने कब बोला आप खुद आप भी चीटिंग ना मान मत कीजिए। तो ना यार कुरन बोलते, क्योंकि मुझे चीटिंग आती नहीं है, तो मैं करूँ कैसे, करूँ तो करूँ कैसे। तो बोलते हाँ आपको चीटिंग भी तो नहीं आती, आइए मैं आपको चीटिंग करना सिखाता हूँ। तो ना लैन कुछ लैन कुरैन बोलते क्या सच में? तो बोलते हाँ, देखिए अगर हम चीटिंग नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो बोलते फिर ना जांगफू बोलते हम चीटिंग के बिना भी जीत सकते हैं, जैसे मैं जीतता हूँ। तो बोलते अभी आप जीत पाते हो? तो बोलते नहीं, क्योंकि तुम चीटिंग करते हो इसीलिए तो मैं हार जाता हूँ। तो बोलते देखा, अगर मैं चीटिंग करता हूँ तो मैं जीत जाता हूँ ना। तो ना लन कुरन बोलते ये सब सिखाओगे तुम अपने चाइल्ड को? तो विंग बोलता है, ये क्या गलत बात है, सिर्फ ये खेल है, खेल की तरह लीजिए ना। तो ना वहाँ पे लन कुरन विंग को समझाते हैं कि तुम्हारे टमी में अभी बेबी ग्रो कर रहा है, अभी तुम जो करोगे वही बेबी के माइंड को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर तुम अभी बहुत अच्छे अच्छे किताबें पढ़ोगे तो बेबी का माइंड बहुत शार्प होगा, अगर तुम ऐसे ही चीज़ें करते रहे तो बेबी तुम्हारी तरह डम होगा। तो ना भीम बोलते नहीं, मैं मेरा बेटी बेबी को डम होते नहीं देख सकता। तो ना थोड़ी देर बाद बोलते क्या बोला आपने, मेरी तरह डम होगा, क्या मैं आपको डम लगता हूँ? तो बोलता हाँ तुम मुझे डम लगते हो, गधे लगते हो तुम गधे। तो नवींग मुंह बना के बोलता है, लैंसन देखो ना तुम्हारे अंकल मुझे गधा बोल रहे हैं। तो लैंसन बोलता है, मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला और मुझे आप दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, मुझे थोड़ा सा काम है। शिचन गा ने मुझे बोला था कि उनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर ना लैंसन बोलते हैं, अंकल अब विंग का थोड़ी देर ख्याल रखिए। तो है ना जांगफू मतलब लैन कुरन और विंग दोनों ही मुंह बनाते हैं, बोलते एक नंबर के गधे कहीं के ऐसा बोल के ना वो दोनों खेलने लगते। अभी वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, लैन कुरन बोल रहे थे कि वो खेलेंगे नहीं, विंग बोल रहा था खेल लो ना खेल लो। तो लैन कुरन मान जाते हैं और वो खेलने के लिए चले जाते हैं, और वो दोनों खेलते खेलते ना विंग चीटिंग करता है। तो ना लैन कुरन बोलते देखा तुमने फिर से चीटिंग की है। तो विंग बोलते मैंने कब किया? तो बोलते कब नहीं किया, तुम्हें हर बार चीटिंग करना ही क्यों होता है? तो विंग बोलते देखिए ना मुझे अगर
आप हरा दोगे तो मुझे बुरा लगेगा ना, तो इसके लिए बीबी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ना लनकुरन बोलते हर वक्त बीबी के ऊपर थोपना बंद करो। तो भींग मुंह बनाता है, बोलता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, अब बीबी को भी पसंद नहीं करते। वो थोड़ा थोड़ा रोने लगता है। तो ना लनकुरन बोलता है देखो भींग। तो ना भींग बोलता है नहीं, मैं आपसे नाराज़ हो गया, आपसे बात नहीं करना, मैं नाराज़ हो गया हूँ आपसे। तो ना लनकुरन बोलता है अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ हो गए हो तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए। तो भीम बोलता है मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए, मुझे तांगहुलू चाहिए, मुझे कुल्फ़ी चाहिए, मुझे मिल्क शेक चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए, मुझे भुजिया चाहिए, मुझे कचौरी चाहिए, मुझे समोसा चाहिए। फिर ना लनकुरन बोलते तुम्हें ये सब भी चाहिए इतना सारा। तो भीम मुँह बनाता है, बोलता आप लाके दे रहे हो नहीं। तो ना लनकुरन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना वो एक प्रिंसिपल को बुलाता है, बोलता है ये सारी चीज़ें ला के दो। तो ना विंग बोलता है जल्दी से जल्दी लाना ठीक है। तो ना वो डिसिप्ल अपना सर हाँ में लगाता है, क्योंकि ये मास्टर है, इनका मतलब इनका बात ना मानना मतलब उनको पनिशमेंट, उसकी लाइफ का बहुत बड़ा एक पनिशमेंट उसे मिलने वाला होगा। तो ना डिसिप्ल जाके चीज़ें लाता है। तो ना लनकुरन बोलते भींग, तो भीम बोलता है हाँ अंकल। तो ना लनकुरन बोलते हैं तुम ठीक हो ना, तुम्हारी बॉडी कैसी रिएक्ट कर रही है अभी। तो ना भीम बोलते हैं मुझे नहीं पता अंकल, मुझे ना बहुत डिजी फील होता है कभी, मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी किताबें पढ़ी हैं तो इसीलिए ना एक बार लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन दूसरी बार लगता है ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ अंकल, आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। तो बोलता है आई नो, वो ना सर पे हाथ रख के बोलता है क्या सर दर्द कर रहा है तुम्हारा। तो ना विंग बोलता है हाँ अभी थोड़ा कर रहा है। तो ना लनकुरन बोलते रुको मैं तुम्हें तेल लगा के देता हूँ, तुम नीचे बैठो कुसरी पे और मैं तुम्हें तेल लगा के देता हूँ, अब तुम्हारे बालों को तुम्हें अच्छा लगेगा। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है दे दो आप लगा के। तो ना विंग को लनकुरन तेल लगा के देते। तो ना वहाँ पे अभी लैनसन खाने का वक्त था, तो ना वहाँ पे लैन शिचन और जेंग चेन भी आ रहे थे, क्योंकि उन्हें विंग से मिलना था और उसको उसका अभी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है या कैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, वैसा मतलब अपडेट लेना था। तो ना लैनसन लनकुरन और जेंग चेन जब देखते हैं कि लनकुरन मतलब एक स्टूल पे बैठा हुआ है और लनकुरन उसके माथे पे तेल लगा रहे हैं और उसे मसाज दे रहे हैं हेड मसाज। तो ना ये मतलब कैसे हो सकता है। तो सारे लोग जब मतलब यहाँ से गुजर रहे थे तो सब लोग देख के ना शॉक्ड हो रहे थे कि लनकुरन ऐसा कर रहा है, मतलब ये क्या लेने वाली बात है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है। लनकुरन भींग के हेड पे मसाज दे रहे तेल लगा के और उसका पोनी मतलब क्या बोलते उसको यार, ब्रेड बना के बोलते अभी तुम्हारे बेल बाल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा हो जाएंगे। तो भींग बोलता है हाँ। तो ना भींग बोलता है अभी तक क्यों नहीं आया सब लोग। तो बोलता आ जाएगा थोड़ा सा वक्त तो दो ना। तो बोलता नहीं देना ना मुझे खाना है। तो ना लनकुरन आता है बोलता है कि क्या खाना है तुम्हें। तो ना विंग बोलता मुझे समोसे कचौरी नमकीन तांगहुलू चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें खानी है। तो मैं अपने बोलता है कि तुम्हें बाहर का चीज़ें को काम खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ना विंग अपना गोल मटोल टमी लेके उठता है और बोलता क्यों नहीं खाना मुझे खाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू ईट। तो बोलता है हाँ आई नो यू जस्ट वॉन्ट टू ईट बट यू कांट। फिर बोलता है वाई नॉट आई कांट। तो बोलता है क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। तो विंग बोलता है प्लीज़ ना ऐसा ना करो मुझे खाना है। तो वहाँ पे लनकुरन बोलते वांग जी इज़ ओके
दोनों बोलते हैं, अंकल नहीं, डॉक्टर ने मना किया है बाहर का चीज़ें। तो बोलता है, तुम चुप रहो, उसे जो खाना है वो खाएगा। वैसे ही वो कुछ खा नहीं पा रहा है और तुम उसे मना कर रहे हो। तो विंग ना जीप दिखा के बोलता है, देखा अंकल मेरे साथ है। फिर बोलता है, अंकल आपको पता है ये ना मुझे ना कल चॉकलेट के साथ मिर्ची खाने नहीं दिया। तो ना अंकल बोलती, वो कैसे खा सकते हो तुम, मीठा और तीखा एक साथ कैसे, मतलब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड नहीं हो जाएगा। फिर ना भीम बोलता, नहीं आपको पता है मीठा और तीखा एक साथ खाने से पहले तो मीठा लगता है, फिर तीखा लगता है, फिर तीखा लगता है, फिर मीठा लगता है, तो ना एक अलग ही टेस्ट निकल के आता है। तो बोलता है, क्या? तो बोलता है, हाँ। तो लैंसन बोलता है, आपको पता है इसने नींबू के साथ मीठी दही भी खाई, मतलब मीठी रसगुल्ले खाए। तो ना अंकल बोलते, ये 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 क्या है, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है हेल्थ के लिए। तो भीम बोलता, लेकिन मुझे ना ये खाना था, मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा और मेरी बात सही भी निकली, ये बहुत अच्छा टेस्ट किया अंकल, आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो बोलता, नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तुम। तो ना भीम बोलता, हाँ तो इसलिए मुझे खाना है। तो ऐसे वो नहीं, ऐसे ही उन लोगों का बहुत अच्छा सा एक टाइम बीत रहा था। तो विंग ना अचानक से अपना टमी पकड़ के बैठ जाता है बेड पे। तो ना सब लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से ये क्या बातें हो रही थी, अच्छी खासी बातें हो रही थी, अब अगर अभी विंग को क्या हुआ। तो ना विंग को बिठाते हैं, मतलब अच्छे से ले लाते हैं। तो ना सब लोग मिल के विंग को काम डाउन और रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो ना लैन चिचेन और लैन कुरन ना विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगते हैं, और लैनजन और जियांग चेन विंग को ना विंग के हाथ और पैर को रब कर रहे थे, उसके बाहर मतलब सर पे पानी दे रहे थे, क्योंकि विंग ने कहा था उसका सर बहुत घूम रहा है, तो इसीलिए वो देख रहे थे। तो एक डिस्पल को बोल के लैन कुरन ने हिलर्स को बुला दिया था। तो हिलर्स आता है, विंग को चेक करता है और बोलता है, आप लोगों ने एकदम सही काम किया, विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी और ये इन सब की बहुत ज़रूरत थी। तो ना विंग मतलब उसका सर ना बिल्कुल भी उठा नहीं पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा ये सर घूम रहा था उसका। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं कि विंग, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो विंग ना एकदम चुप हो जाता है और बोलता है, मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता था, आप पहले से ही कितने ज़्यादा टेंस हो मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई। तो ना लैन कुरन बोलता है, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, तुम क्या चाहते हो, हाँ हम क्या तुम्हारी कोई नहीं लगते विंग। हाँ मना मानता हूँ कि लैंसन ने तुम्हें बहुत चोटें दी है, लेकिन हमने तो तुम्हें दिल से अपनाया था ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम हमें मुझे तो अपना नहीं मानते ना, इसलिए ना वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं लैन कुरन, क्योंकि लैन कुरन ने विंग को बहुत पैम्पर किया था, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो ना विंग बोलता, अंकल आप सैड मत हो ना। तो ना अंकल को अपने पास खींच के ना वो अपना सर अंकल के चेस्ट पे रखता है, बोलता है, प्लीज़ अंकल आप गुस्सा मत करो मुझ पे, मैं दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलता है, हाँ तुम प्रॉमिस करते हो लेकिन फिर नहीं करते। तो विंग बोलता है, नहीं मैं आज रखूँगा प्लीज़। तो विंग बोलता है, मुझे पता है तुम रखोगे, लेकिन भी तुम क्या समझ, तुम्हें अभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो नवीन अपने सर हमें लाता है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, विंग लंसन के आँख नाक पे दम कर देता है, क्योंकि उसे ये खाना होता था, उसे वो खाना होता था, उसे यहाँ जाना था वहाँ जाना था, और विंग
लैंसन से ही सब करवाता था। उससे रात रात भर अपने पैरों को दबवाता था, सर को मालिश करवाता था, बहुत सारी चीज़ें करवाता था। लिटरली उसको मतलब बोलते हैं ना एकदम परेशान करना, नाक में दम करना, वो कर दिया था। लेकिन लैंसन ने एक आवाज़ भी नहीं उठाई थी। वो हर बार बोलता था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो नवीन, तो वीन ना मुँह फुला लेता था। तो नवीन को ना लैंसन आइसक्रीम भी ला के देता था और बोलता था अभी खाना है तुम्हें। तो ना वो क्या करता था, वीन लैंसन आइसक्रीम को मेल्ट करवाता था, फिर वीन को खिलाता था, क्योंकि वो उसे जानता था कि अगर आइसक्रीम उसने ऐसे ही दे दिया तो वीन को ठंड लग जाएगी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ही कांट अफोर्ड। तो ना इसीलिए ना क्या वीन लैंसन क्या करता है, वो ना लाता है। लेकिन एक घंटे के बाद अगर मतलब आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है ना, फिर वीन को जाके देता है, बोलता कि थोड़ा सा लेट हो गया तो ऐसा बन गया। तो ना वीन हमेशा मुँह बनाता था और बोलता था तुम ऐसा ही करते हो, आइसक्रीम कोई ऐसे मेल्टेड खाता है, किसी को ऐसे पसंद भी आता है? तो बोलता देखो ना प्लीज़ खा लो ना प्लीज़, मैं बहुत मुश्किल से ये सब यहाँ पे लाया हूँ, लाते लाते पिघल जाता है, मैं क्या करूँ? तो बोलता कि आने में इतना देर लगता है क्या? ऐसा लगता है कि एकदम मतलब मैं क्या करूँ, मुझे आइसक्रीम खाना और मुझे ऐसे मेल्टेड आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी। तो ना वहाँ पे वीन ना सबको मतलब चीज़ें देता है अपने, मतलब उसके मॉम मैडम यू वीन के लिए हर एक चीज़ भेजती है, घर के बने हुए लड्डू और पेड़े, बहुत सारी चीज़ें, कुकीज़, पैटीज़, क्योंकि बाहर के बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, अनहेल्दी होते। तो मैडम यू ना वीन के लिए हर एक चीज़ अपने हाथों से बना बना के भेजती थी। वीन ना बहुत मोटा हो गया था और बहुत गोलू मोलू हो गया था, और वीन का डिलीवरी का बग भी आ रहा था। तो ना लैंसन बहुत डर रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो ना एक वक्त ऐसा है कि वीन का 8 महीने चल रहा था और वीन को चलने में तकलीफ़ होती थी अभी। तो वीन अपना पेट को गोल गोल मटोल पेट के साथ एक जगह बैठा हुआ था। तो ना लैंसन ना सो रहा था और ना सुबह के 4 बजे थे, 4 या 5 बजे थे। लैंसन अभी तक उठा नहीं था क्योंकि लैंसन बहुत थक गया था, वीन ने उसे बहुत परेशान किया था, सारी रात उसे सोने नहीं दिया, अभी आधे घंटे में ही उसने सोने दिया था और लैंसन अभी तक सो रहा था। तो ना वीन ना उठ के बाहर आके थोड़ा सा बैठता है, तो ना लैंसन ना एक सपना देखता है, जब वीन डिलीवरी करता है तो वीन मर जाता है। तो ना एकदम आँखें बाहर के उठता है, बहुत गहरी गहरी सांसें लेता है और आसपास देखता है, वीन को नहीं देखता। तो ना वीन को ना देख के वो बहुत परेशान हो जाता है, वो भाग के बाहर जाता है और वीन को ढूंढने लगता है, और देखता है कि वीन एक चेयर पे बैठ के अपने टमी को सहला रहा था और देख रहा था और बनीस के साथ खेल रहा था। तो ना लैंसन जाके भाग के वीन को अपने बाहों में लेके ना रोने लगता है। तो ना पहली बार तो वीन डर जाता है, फिर उसे समझ आता है कि उसका अलवा है। तो ना वो देखता है कि वीन ना लैंसन को डांटने वाला था उसे डराने के लिए, लेकिन जब वो ये समझता है कि लैंसन रो रहा है तो ना वो खुद डर जाता है, बोलते क्या हुआ लैंसन, क्या हुआ? तो ना लैंसन ना बहुत रोता है, रो रहा था बहुत फूट फूट के। तो ना लैंसन को पहले वो ना काम नहीं करता, वो लैंसन के कानों पे बोलता है मुझे कमरे में लेके चलो। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है, उसे अपनी मतलब गले लगाते हुए उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी करके रूम में लेके जाता है, बेड पे सुलाता है। तो ना लैंसन अभी अलग हो रहा था, तो ना लैंसन को वीन अपने बाहों में लेके बोलता है क्या हुआ बताओ मुझे। तो ना वीन लैंसन कुछ नहीं बोलता, तो ना वीन लैंसन को अलग करता है और इसके फोरहेड पे, चिक्स पे, आँखों पे, लिप्स पे किस करके बोलता है क्या हुआ हस्बैंड। तो ना वीन लैंसन बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ,
मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई कांट लेट यू गो प्लीज़। धुना लवीना मुस्कुराता है और बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान करूँगा। तो नवीन लैंसन बोलते हैं, मुझे परेशान करो, मारो, पीटो, गालियाँ दो, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज़ डोंट लीव मी, आई कान लिव विदाउट यू। तो नवीन बोलता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, शांत हो जाओ। तो नवीन को ना फिर से हक कर लेता, और विंग भी लैंसन के मतलब पैट कर रहा था। तो ना विंग लैंसन को बोलता, सो मुझे भी कंफर्टेबली सुलाओ अपने बाहों में और तुम भी सो। तो बोलते, नहीं मुझे अभी सोना नहीं है। तो ना विंग बोलता, मुझे सोना है ऐसे। तो ना लैंसन विंग की बातें सुनता है। तो ना विंग लैंसन का एक हाथ लेके अपने टमी पे रखता है और ना लैंसन का सर को मसाज देने लगता है। तो धीरे धीरे ना लैंसन सो जाता है और ना विंग देखता है कि अभी तक लैंसन का हाथ तो उसके स्टमक पे है। और विंग देखता है, बोलता है, मैंने बोला था ना तुम मुझसे प्यार करोगे, अभी हेट कर रहे थे कभी किसी दिन कुछ दिन पहले, अभी ऐसे प्यार कर रहे हो कि तुम मेरे बगैर चल नहीं सकते। हेट टू लव का रास्ता मैंने पार कर लिया है और मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के तो कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे और पनिश करना है तुम्हें। ऐसा बोल के ना लैंसन के चिक्स पे और उसके लिप्स पे किस करके वो भी सो जाता है क्योंकि वो भी टायर्ड हो गया था इतना सारा होने के बाद। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लैंसन तो इतना ज़्यादा पैनिक होके रहता था ना हमेशा। तो ना वो हीलर्स ना वीन लैंसन और वीन के कॉटेज के एक सामने ही कॉटेज था, वहाँ पे हीलर्स को भी लैंसन ने एकदम ऑर्डर दे दिया था कि अभी वो उसके साथ ही रह गए, मतलब कभी भी विंग को ज़रूरत पड़ सकती है तो उसे विंग की सारी ज़रूरत की चीज़ें लैंसन ने ली थी। तो ना लैंसन को एक शाम विंग बुलाता है। तो ना लैंसन उसके पास जाता है। तो ना विंग उसके बाह में जाके बोलता है, लव यू। तो ना लैंसन बोलता है, लव यू टू। तो ना विंग बोलता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे का। तो ना विंग को ऐसे टाइटली हक करके बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट से लाइक दैट। तो ना लैंसन ऐसा बोलता है और रोने लगता है। तो ना विंग को ना स्टमक में पेन होता है और बोलता है, विंग लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है, क्या हुआ? तो उसे लेबल ब्रेन शुरू हो गया था, उसका वाटर ब्रोक हो गया था। तो सारे हीलर्स सब लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे क्योंकि विंग की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो ना विंग और बेबी बहुत ही मतलब 4-5 घंटे लगते विंग को बर्थ देने में, और लैंसन तो पूरा बेहोश ही हो गया था आधे घंटे के लिए। फिर ना जब होश में आता है तो ना वो लैंसन और विंग मतलब लैंसन उठ के बोलता है, मेरा बच्चा, मेरा वाइफ। तो बोलते, तुम्हारा बच्चा और वाइफ एकदम ठीक है? और लैन कुरन बोलते, तुम एक अल्फा बेबी बॉय हुआ है। तो ना विंग लैंसन ये सुनता है, वो बहुत खुश हो जाता है। तो बोलते है, विंग? तो बोलते है, वो भी एकदम ठीक है। यंगजन ना बेबी को लेके लैंसन के पास आता है और बोलता है, देखो तुम्हारा बेबी। तो बोलते है, नहीं हमारा बेबी, मेरा और विंग का बेबी, मेरा आयुएन, हमारा आयुएन। ऐसा बोल के ना उसके अपने बच्चे के फोरहेड पे किस करता है। तो ना लैन कुरन तो बहुत खुश थे क्योंकि उसके एक पोती थी और एक पोता, तो बिल्कुल मतलब उनका तो दिल पाक पाक हो गया था। तो ना लैन शिचैन अपने छोटे भाई को बधाई देते हैं उनके बच्चे के लिए। तो ना विंग को कमरे में जाते हैं और विंग ना 6 घंटे से बेहोश था और लैंसन भी बच्चे के साथ खेल रहा था। तो ना धीरे धीरे विंग को होश आता है क्योंकि विंग ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन विंग ने वादा जो किया था लैंसन को कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, तो ना विंग ने नहीं गया था। तो ना विंग होश में आता है। तो ना लैंसन उसके पास बेबी को ला के बोलता है, देखो
हमारा बीबी कितना ज़्यादा प्रिटी है, एकदम तुम्हारी तरह स्माइल है उसकी। तो ना विंग बोलता है, हाँ मेरी तरह स्माइल है लेकिन आँखें तुम्हारी तरह है। तो ना विलेंसन बोलता है, तुम्हें पता है मेरा बेबी बिल्कुल नहीं रोता। तो बोलता है, हाँ तुम्हारा बेबी। तो बोलते हैं, नहीं हमारा बेबी, हमारा आईवेन। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर ना विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो तुम बेहोश हो गए थे। तो ना विंग बोलता है, तुम्हें कैसे पता। तो बोलता है, एक हिलर ने जब मुझे मैं अनकॉन्शियस होने हो ही रहा था, तब एक हिलर ने बोला कि एम्परर बेहोश हो गए हैं। तो ये सुन के मैं भी बेहोश हो गया था। फिर बोलते हैं, यार मैं हाँ मैं हूँ। तो ऐसे ही तुम मेरी वाइफ ही हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बोलता है, आई लव यू टू। तो एक दूसरे को किस करते हैं और बेबी ना ये मुस्कुराता है। तो यही एक हैप्पी एंडिंग है इस कहानी की। और ये वंक्शन हेट टू लव का लास्ट पार्ट है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि तुम लोगों को ये फैन फिक्शन कैसी लगी। और मैं एक मॉडर्न फैन फिक्शन क्या यहाँ पे लाऊं, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि तुम लोगों को कैसे लग रहे हैं। और मेरे चैनल को थोड़ा सा विज़िट भी कर लो, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं वंशनी, मैं मांगास भी रिव्यू करती हूँ। तो गाइस मैं ना इस चैनल में सिर्फ वंशन FF ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ें भी डालूँगी।